Aseem, और फाइनली आ चुके हैं एक और सेशन लेके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर अगर चल रही है पूरा होगा कि नहीं होगा आप बीच में तो नहीं छोड़ दोगे टॉपिक्स तो नहीं छुड़वा दोगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जस्ट ट्रस्ट ऑन मी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है बिकॉज एकदम बेसिक लेके चल रहे तो सबसे पहले ये बताइए सभी लोग मेरी आवाज सुन सकते हो मुझे देख सकते हो भाई वेरी गुड आफ्टरनून नवीन आई एम हरी वॉ सेशन इज़ अमेजिंग थैंक यू वेरी मच छोटा सा करेक्शन है उसमें जरूर करेक्ट कर लेना जो माइनस वाला एक्सपेंशन है ना वो मैंने प्लस वाले में लिखवा दिया और जो प्लस वाला एक्सपेंशन है उसको माइनस में लिखवा दिया है इसमें आपको सारे ऑल पॉजिटिव मिलेंगे और इसमें क्या है अल्टरनेट जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा था वो आपको प्लस आ, प्लस वाले में देखने को मिलने वाला है तो छोटा सा करेक्शन ये कर लेना सभी लोग कर लोगे भाई ऐसे धर्मों के नोट्स गेट ब्रांच के लिए रिफर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और इसी के साथ कर लेना कोशिश करना अपने खुद के नोट्स बनाओ बहुत ज्यादा बिजी हो तो फिर मेरे ही नोट्स यूज कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके भाई ये करेक्शन सभी लोग कर लेंगे सारे बच्चा लोग ये करेक्शन करना मस्ट है ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा थोड़ा सा लाइक ये वाला एक्सपेंशन जस्ट रिवर्स कर दो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है उसको वन माइनस एक्स लिए कर दो जो नीचे एक्सपेंशन है उसको वन प्लस एक्स लिए कर दो दिस इज माई नेम माई नेम इज राम गेट एंड सी कैटेगरी में पिछले ढाई साल से पढ़ा रही हूँ मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट रिपीट कर चुकी हूं आप लोगों को फ्लूड मैकेनिक्स देखने को मिल जाएगा हाइड्रोलिक मशीन देखने को मिल जाएगा बेसिक एंड अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स मैंने वन ऑफ द बेस्ट वे में कवर करा है अगर आप कम टाइम में पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना चाहते हो मेरी बेसिक को फॉलो करिए किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो डब्ल्यू 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 डॉट यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं तो आप लिखिएगा लामिया टेन आपको मिल जाएगी वेबसाइट और मेरा पढ़ाया हुआ सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल भी और मैथमेटिक्स तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है आगे

आज से शुरू हो रहा है बार के, के लिए एक बढ़िया सी धमाकेदार टेस्ट सीरीज इस टेस्ट सीरीज में आपका हो गया फ्लूड गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया हो हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स गया हाइड्रोलिक मशीन हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया ये सारे सब्जेक्ट के टेस्ट कंडक्ट होंगे टोटल फिफ्टीन टेस्ट मैं कराने वाली हूँ सिंपल सा रीजन ये है पुल और लीडर बोर्ड की फैसिलिटी मिल जाएगी ये क्लासेस बिल्कुल भी मत मिस करना टाइमिंग आपकी होने वाली है नाइन टू टेन पी सारी क्लासेस फटाफट कवर कर लो उसके बाद रात में आ जाना टेस्ट देने 18 20 क्वेश्चन जम के करेंगे अच्छी क्लारिटी आपको देखने को मिलेगी बाद में आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो कोई टाइम पर, अगर आप मैथमेटिक्स को कर रहे हो, इसको ज्वाइन करना मस्ट है is, कहां से मिलेगी नहीं कर सकती, सारी पीडीएफ आएगी इसी के ऊपर तो आपका जरूरी है आपको मिल जाएंगे और ये जो टेलीग्राम है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा आगे बातचीत करते हैं और बात करते हैं अनडमी के कॉम्बेट की

इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो एज ए एप्रिसिएशन आपको सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जैसे कि अगर आप अंडर थ्री रैंक लेके आते हो तो कंप्लीटली फ्री एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अंडर टेन रैंक पर आपको कितना मिलेगा सेवेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अंडर फिफ्टी पर आपको फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और अंडर हंड्रेड पर आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट का बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाता है तो मैं आपको बताती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो एन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करने के लिए पहले संडे को कॉम्बेट दो यहाँ तक पच्चीस परसेंट पचास तक ऑफ कराओ उसके बाद सब्सक्राइब करो आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा और इसमें रैंक लाना इट्स नॉट अ बिग डील बहुत आसान है एक ही बच्चा एवरी वीक कॉम्बेट देता है और उसकी हर बार 75 परसेंट ऑफ हो जाता है तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है बग्स बाउंडी इज अ वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकती हूं एक फीचर आप लोगों के लिए ऐड करा गया है जहां पर आप कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि लाइक like, गेट के रिलेवेंट नहीं है इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म पर तो डेफिनेटली नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट द कॉन्टेंट बेसिकली इन रिलेवेंट ओके तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली

तो टोटल नाइन मंथ आपको देखने को मिलेंगे और फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाइन मंथ मोर देन इनफ है पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर हैं प्रोडक्शन पढ़ लो एस के मोंदल सर से मैथमेटिक्स में करा ही रही हूं इसी के साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे मेंटोरशिप ले लो मुझसे 24 फोर इंटू सेवन डाउट क्लैरिफिकेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर आप घर बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए सारे एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे करना क्या है या तो आपको प्लस को सब्सक्राइब करना है

क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे जैसे बार का क्रैश कोर्स हो गया इसरो का क्रैश कोर्स हो गया जो अदर एग्जामिनेशन पीएसयू के होते रहते हैं उसके सेशंस भी यहाँ पर चलते रहते हैं तो वो भी आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे टेस्ट दे सकते हो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी अभी ऐड कर दी गई है तो और इंग्लिश हिंदी की भी कोई समस्या नहीं है और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो सब्सक्राइब करो स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेट जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करिए करना क्या है एप्लीकेशन को कर लेना है स्टॉल गेट ई एसी की कैटेगरी को कर लेना है चूज पे क्लिक करके आपको ड्यूरेशन ये वाला चूज करना है क्योंकि इस पे ऑफर चल रहा है ठीक है ना यहां पर आपसे रिफरल कोड मांगता है तो आप रिफरल कोड में चाहो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो जैसे सबका कोड चलता है वैसे ही मेरा कोड भी चलता है भाई ठीक है ना ये भी चलता है दौड़ता नहीं है इससे भी आपको सिर्फ टेन परसेंट का ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा बट फायदा क्या है आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा फॉर डेडिकेटेड डाउट क्लैरिफिकेशन फैसिलिटी अदरवाइज आप किसी का भी कोड यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो यहां पर नंबर ऑफ पेमेंट ऑप्शन हैं जैसे कि क्रेडिट डेबिट ई हो गया यूपीआई हो गया नेट बैंकिंग हो गया तो जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वही आप चूज करिए हम चलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ और भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं वेरी गुड इवनिंग इज देर एनी चांस इट विल कंडक्ट इन जुलाई डेफिनेटली देर इज अ चांस ठीक है बार्क का भी कोई चांस नहीं था आ गया और पेपर भी होने वाला आई थिंक ऑफ सेप्टेम्बर डेट आई है ना एडमिट कार्ड आ चुके हैं बार के एग्जामिनेशन के लिए हाँ फटाफट लाइक कर दो लाइक कर दो ये बात बिल्कुल सही बोली कि मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा सेशन देखते हुए करोगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा स्टार्ट करें सेशन को अच्छा देखो एक चीज और बता दूं आज थोड़ा सा कलाकृति का काम है टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आज हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो सारे ग्राफ आपके सामने ही ड्रॉ होंगे उसकी डोमेन रेंज हर चीज के ऊपर बात करनी है तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रही हूं बट आपको थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ फंक्शन की ठीक है ना सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है ठीक है तो व्हाट इज फंक्शन सबसे पहले हम लोग फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं समझ आएगा तब तक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे समझेंगे तो अगर मैं यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो अ फंक्शन अ फंक्शन दैट दैट रिलेट्स रिलेट्स ठीक है रिलेट्स भी बोल सकते हो और यहां पर क्या कह सकते हैं और कनेक्ट दैट रिलेट्स और कनेक्ट वन सेट ठीक है ना वन सेट टू सेट टू एनदर सेट इन अ पर्टिकुलर वे अभी बात को समझना इन अ पर्टिकुलर वे पूरा फोकस जो है वो उठा के बोर्ड के स्क्रीन पर डाल दो ठीक है पूरा फोकस आप जो है स्क्रीन पर डाल दो इन अ पर्टिकुलर वे तो ये होती है बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है भाई अभी अभी कुछ मजा नहीं आ, अभी समझ नहीं आया आया समझ कि ये फंक्शन एक्चुअली में क्या है चलो थोड़ा सा और ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं सपोज दैट दिस इज योर फंक्शन अब ये क्या करेगा ये फंक्शन एक सेट को एक सेट को दूसरे सेट के साथ क्या करेगा कनेक्ट करेगा ठीक है ना ये फंक्शन क्या करेगा एक सेट को दूसरे सेट के साथ कनेक्ट करेगा तो सपोज कर लेते हैं दिस इज आर दिस इज आर सेट वन दिस इज आर सेट वन एंड सपोज दैट दिस इज आर सेट टू ये हमारा सेट टू है बीच में क्या है फंक्शन इज वर्किंग लाइक अ मशीन ये क्या कर रहा है फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है जो एक सेट को एक सेट को क्या कर रहा है दूसरे सेट के साथ कनेक्ट कर रहा है अभी भी कुछ खास मजा नहीं आई है अभी भी कुछ खास क्लैरिटी मिली नहीं है कि फंक्शन एक्चुअली में क्या है बट हमें डेफिनेशन पता चल गई कि हाँ भाई इसका काम क्या है दैट रिलेट्स और कनेक्ट वन सेट टू सेट इन अ पर्टिकुलर वे अब बात करते हैं कि ये सेट क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेट सेट इज नथिंग इट जस्ट अ इट जस्ट जस्ट अ कलेक्शन ठीक है ना इट जस्ट अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स कलेक्शन भी बोल सकते हो और आप ग्रुप भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ थिंग्स अच्छा अगर चीजों का चीजों का समूह जो है वो सेट है तो क्या हम अपने सेट बना सकते हैं बिल्कुल सेट बना सकते हो जैसे कि हम लोग एक सेट क्रिएट करें आ, आ, सेट ऑफ लेटर्स ठीक है आ, सेट ऑफ अल्फाबेट्स अ सेट ऑफ वोवेल

इन लामिया मैम क्लास ठीक है इन लामिया मैम मैथ लेक्चर टू क्लास तो अभी मैं अगर कलेक्शन बनाऊंगी तो 84 फोर स्टूडेंट्स इसको लाइव देख रहे हैं 84 फोर स्टूडेंट्स के सबके नाम मैं उठा के लिख दूंगी एक कलेक्शन बना दूंगी तो क्लास के लिए एक सेट बन गया ठीक है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कौन कौन फर्स्ट आया उन सबको उठालो उन सबका नाम उठा लो सेट में डाल दो कलेक्शन बन गया तो सेट इज नथिंग बट इट जस्ट अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स ठीक है चीजों का समूह जो है चीजों का जो कलेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं सेट अब ये जो सेट है ये आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं अच्छा एग्जाम्पल से चीजें समझ आ गई होंगी ना एग्जाम्पल से हमें ये चीज तो अच्छे से समझ आ गया कि सेट है क्या और फंक्शन क्या है एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करने वाला एक रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला जो मशीन होती है, उस मशीन को बोलते हैं फंक्शन और यहां पर अगर मैं बात करूं सेट की डेफिनेशन की और लाइक बेसिकली डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है सेट के टाइप की सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेट हमारे दो तरीके के होते हैं दो तरीके के कौन से एक आपका होता है इनफाइनाइट सेट ठीक है ना एक हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट और दूसरा सेट हमारा क्या होता है दूसरा सेट हमारा होता है फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सिर्फ अच्छे से सुनो फील करो ठीक है ना ये सब लेक्चर्स ऐसे नहीं है जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे ये सब आपके बेस को बिल्ड करते हैं दैट इज द मेन रीजन कि मैं सारी चीजें कवर कर रही हूं तो एक आपका हो गया फाइनाइट सेट एक इनफाइनाइट अब हम लोग थोड़ा सोचते हैं भाई कि फाइनाइट सेट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जैसे कि ऑफ लेटर्स ऑफ एल्फाबेट ठीक है ना अगर आप एक सेट बनाओ एल्फाबेट का तो फाइनाइट होगा फाइनाइट होगा टोटल कितने उसमें नंबर्स आपको या कह सकते हैं, टोटल कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे तो आप बोल रहे हो कि मैम अगर अल्फाबेट का आप सेट बना रहे हो तो से लेकर जेड होंगे टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टिल ट्वेंटी सिक्स हम इसे काउंट कर सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है अच्छा ठीक है अगर मैं अ सेट ऑफ सिटी बनाऊ इन इंडिया तो वो काउंट कर सकते हो क्या जल्दी से मुझे बताइए जल्दी से मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर बात करूं अगर मैं यहां पर, पर बात करूं एक सेट बनाऊं एक सेट बनाऊं कि इंडिया में कितनी सिटीज हैं सो तो वो काउंटेबल है कि नहीं है जल्दी से आंसर करिए डेफिनेटली वो काउंटेबल है ठीक है ना डेफिनेटली वो काउंटेबल है बट मैं अगर आपसे बोलूं अ सेट ऑफ इंटीजर्स आप बोलोगे भाई काउंटेबल नहीं है माइनस इनफाइना से इंटीजर से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं इंटीजर निगेटिव भी हो सकते हैं आपको ना ना ये तो मैं काउंट नहीं कर सकता अगर मैं आपसे बोलूंगा सेट ऑफ स्टार्स ठीक है ना अ सेट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिल्क तो ये क्या है सब अनकाउंटेबल है तो यहां पर इस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे इनफाइनाइट सेट है अब बात करते हैं कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है सो देर आर टू वेज दो तरीके से सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पहला मेथड होता है कि आप करली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट करो जैसे कि यहां पर मैं सेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहां पर देती हूं कलेक्शन ऑफ लेटर्स ठीक है ना कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो अगर आप लेटर का कलेक्शन करोगे तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो करली ब्रैकेट से ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ऐसे कई सारे आप इस तरीके से कर सकते हो तो ये ऑफ दूसरा क्या मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड है कि आप, इस तरीके से, आप इस तरीके से क्या करो ठीक है आप इस तरीके से क्या करो यहां पर आ, ये रोटेट होगा क्या जस्ट वेट एक सेकेंड भाई एक साइड से हो रहा है उधर से नहीं हो रहा है चलो हाथ से बना देंगे हम लोग वैसे भी बहुत माहिर हैं मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं भाई सारी कलाकृति हाथ से भी कर लेते हैं ठीक है दूसरा मेथड क्या होता है इस तरीके से आप एक ओवल शेप का अंडाकार शेप बनाओ और यहाँ पर आप सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दो सो दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड करली ब्रैकेट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यहां पर फाइनाइट में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए एड करती हूँ सेट ऑफ एल्फाबेट्स ठीक है ना सेट ऑफ एल्फाबेट्स एल्फाबेट्स का जो सेट होगा मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये आपका एक सेट है तो आप बोलोगे इसमें ए होगा इसमें बी होगा इसमें सी होगा और जित, आगे जाके क्या मिलेगा लास्ट में हमें जेड मिलने वाला है सो दिस इज काउंटेबल दिस इज योर फाइनाइट सेट इफ यू टॉक अबाउट इन फाइनाइट सेट तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ Integers. तो सेट ऑफ इंटेजर्स जो बच्चा आपका होगा वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा फिर ये जाएगा माइनस टू हो गया माइनस वन हो गया फिर बीच में जीरो मिलेगा फिर वन टू थ्री और फिर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये जो कलेक्शन है ये अनकाउंटेबल है इसे आप काउंट नहीं कर सकते तो ये हमारा कहलाता है इनफाइनाइट सेट ठीक है तो हमें एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ आ गई हमें एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ आ गई कि सेट क्या है सेट क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से उसकी हेल्प से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं तो यहां पर इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन अगेन समझने की कोशिश करिए इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहां पर क्या होगा एक सेट और दूसरे सेट का जो कनेक्शन है एक सेट और दूसरे सेट का जो कनेक्शन है वो हमें कौन देने वाला है वो हमें देने वाला है फंक्शन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग मगर इस बार कुछ नया होगा ठीक है ना सेम चीज रिपीट तो करूंगी मगर तो इस बार कुछ नया होगा ये हमारा हो गया फंक्शन दिस इज आर फंक्शन दिस इज आर सेट टू ये हमारा एक सेट हो गया और ये हमारा दूसरा सेट हो गया सेट वन ठीक है हम एक और तरीके से इसको बुला सकते हैं फंक्शन इज समथिंग दैट कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट हम कह सकते हैं कि सेट वन हमारा क्या है इनपुट है और सेट टू हमारा क्या है आउटपुट है तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं सेट टू को इनपुट बोल देते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन इसको हम लोग डोमेन के नाम से भी याद रखते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन तो सेट वन हमारा क्या हो गया हमने फंक्शन को कुछ इनपुट दिया उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ने हमें क्या दे दिया आउटपुट दे दिया तो सेट टू को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं सेट टू को जनरली हम लोग आउटपुट बोलते हैं और इसी को जो सेट टू हमें दिख रहा है यहां पर इट इज कॉल्ड रेंज ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा रेंज कहलाता है तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है डोमेन और रेंज का इसका मतलब है अगर हम किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी डोमेन और उसकी रेंज क्या होगी डिफाइन होगी अगर आप कोई भी ग्राफ को बनाते हो किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसके डोमेन और उसकी रेंज क्या होने वाली है डिफाइन होने वाली क्या है? यहां तक समझ आ गई सारी चीजें जल्दी से बताइए भाई विच टॉपिक आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग फंक्शन एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलस में कमांड क्यों नहीं हो पाती है क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं आता है मैक्सिमम क्वेश्चन तो ग्राफ से ही सॉल्व हो जाते हैं ठीक है तो आज जो सीखोगे ना आज जो सीखोगे वो वन ऑफ दी बेस्ट लर्निंग होने वाली है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोई दूसरी भी मैथ पढ़ोगे उसमें भी हेल्प करेगी उसमें भी हेल्प करेगी अगेन मैम फिर से समझाती हूं इस चीज को कि फंक्शन क्या है मैंने डेफिनेशन में सबसे पहले समझाया अ फंक्शन दैट रिलेट्स और कनेक्ट वन सेट ऑफ टू एनदर सेट इन अ पर्टिकुलर वे अच्छा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन तो फंक्शन क्या कर रहा है एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट कर रहा है फिर हमने समझा सेट क्या है तो सेट इज बट इट जस्ट अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स तो यहां पर हमने एग्जांपल्स को समझे जैसे कि इंडिया में कितनी सिटीज है सारे नाम आप कलेक्ट कर लो तो वो एक कलेक्शन बन जाएगा तो उसको हम लोग सेट बोलेंगे अब वीक में कितने पढ़ते हैं? उसका एक बना सकते हो, कितने जैसे कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं आप उसे काउंट कर लो सब अरेंज कर दो दैट इज ऑल्सो नोन एज दिस सेट ठीक है तो सेट आपके क्या हो सकते हैं फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं एल्फापेट्स को आप काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल हो गया इट सेट हो गया एंड सेट ऑफ इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके काउंट आप नहीं कर सकते पूरे पॉजिटिव भी लेने हैं नेगेटिव भी लेने हैं और इसी के साथ साथ आपका जीरो भी आता है इंटीजर में सो so ये काउंट नहीं हो सकता सो दिस इज नोन एज दी इन फाइनाइट सेट फिर मैंने अगेन सेम चीज को रिपीट करा कि भाई अभी फंक्शन आप समझ सकते हो कि किस तरीके से सेट वन सेट टू को रिलेट करने वाला है ठीक है तो यहां पर एक थोड़ा सा आइडिया लगा हमें कि सेट वन क्या होगा सेट वन हमारा इनपुट होगा क्योंकि कोई भी मशीन अगर मैं फंक्शन को मशीन मान लू तो कोई भी मशीन ऐसे ही वर्क नहीं करती है उसको क्या देना पड़ता है? उसको इनपुट देना पड़ता है कोई भी जनरेटर आप उसको आप 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 यूज़ उसको क्या क्या दे डीजल दे 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 रहे 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 हो? हो? हो, हो? हो, 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 डीजल अगर रन कर रहे हो, आप अपने को एनर्जी दे फूड आराम एन ठीक है ना तभी आप वर्क कर पा रहे हो। इन अ सिमिलर न और सेट टू को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं अब ये डोमेन क्या होगी रेंज क्या होगी ये आपको आगे समझ आ जाएगा ठीक है ना आगे समझ आ जाएगा आगे चलते हैं अब अब इस तरीके से बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है हाउ इट वर्क ये वर्क कैसे करेगा भाई समझ तो आ गया मगर ये मशीन काम कैसे करती है अगर इस मशीन का काम आपको समझना है तो यू हैव टू ड्रॉ फंक्शन टेबल आपको क्या करना है आपको यहां पर फंक्शन टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा अब ये फंक्शन टेबल क्या होती है फंक्शन टेबल आपके सेट वन के कलेक्शन से सेट टू के कलेक्शन का रिलेशनशिप मेंटेन करेगी तो ये जो मैंने बनाया है दिस इज नोन एज द फंक्शन टेबल ठीक है तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी फंक्शन टेबल फंक्शन टेबल ठीक है अब ये फंक्शन टेबल कैसे वर्क करेगी सपोज कर लो मैंने एक फंक्शन लिया और मैंने एक सेट क्रिएट करने की कोशिश करी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे आउटपुट लिखेंगे आउटपुट ऑफ दी साइड्स ऑफ दी पॉलीगन ठीक है तो यहां पर मैं लिख देती हूं आउटपुट ऑफ आउटपुट ऑफ पॉलीगन साइड्स पॉलीगन पॉलीगन साइड ठीक है तो यहां पर देखो एक हमारा क्या होगा अगर मैं यहां पर फंक्शन टेबल क्रिएट कर रही हूं तो एक सेट वन होगा सेट वन क्या होगा इनपुट होगा और फिर दूसरा क्या होगा सेट टू क्या होगा आउटपुट होगा वापस इस चीज को समझने की कोशिश करिए सेट वन में जो कलेक्शन आपके पास है सेट वन में जो नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास है उसको आप रिलेट करने वाले हो सेट टू से आपने फंक्शन को क्या कमांड दी आपने फंक्शन को कमांड दी कि जितने भी पॉलीगन इसमें हैं उसके करस्पॉन्ड बॉन्डिंग आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करो कि उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला कि सेट वन के पास सेट वन के पास जो कलेक्शन है उसमें आपका ट्रायंगल है सेट वन के पास जो कलेक्शन है उसमें ट्रायंगल भी है फिर उसमें स्क्वायर भी है उसमें पेंटागॉन भी है ठीक है ना उसमें पेंटागोन भी है उसमें हेक्सागोन भी है उसमें हेक्सागोन भी है सो दिस इज़ कलेक्शन ऑफ पॉलीगंस दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉलीगन इसकी हेल्प से आपने इसके बीच में क्या लगा दिया इसके बीच में एक मशीन लगा दी मशीन क्या हो गई फंक्शन हो गया अब ये मशीन आपको क्या आउटपुट देगी ट्राइंगल का आउटपुट क्या आएगा जल्दी से मुझे बताइए जल्दी से मुझे बताइए लेस व्यूज नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा इन केस अगर व्यूज बहुत कम आ जाते हैं लाइक दो बच्चे तीन बच्चे देख रहे हैं स्टिल आई विल कंप्लीट डोंट वरी अबाउट इट ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए माइंड फ्री करके बातचीत करिए एकदम माइंड फ्री मेरी क्लास में किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इफ आई विल गिव यू कमिटमेंट आई विल लाइक कंप्लीट करूंगी उस कमिटमेंट को ठीक है टेंशन ना लेते टेंशन के साथ पढ़ रहे हैं बच्चे चलो भाई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो आपके पास क्या था सेट वन था पॉलीगंस का कलेक्शन था आपने फंक्शन सेट वन और सेट में आपने क्या से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करी कनेक्शन बनाने की कोशिश करी फंक्शन को क्या कमांड दी कि सेट वन और सेट टू में कनेक्शन बनाओ कि सेट वन में जो पॉलीगंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिलेंगी तो ट्राइंगल में कितनी मिल जाएगी भाई थ्री मिल जाएगी स्क्वायर में कितना मिल जाएगा भाई फोर मिल जाएगा पेंटागन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी भाई फाइव हो जाएंगी एंड हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी सिक्स हो जाएंगी समझ आया कि नहीं भाई समझ आया यहां पर सारी चीजें सो दिस इज नोन एज दी फंक्शन टेबल इसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन टेबल बोलते हैं सो so यहाँ तक आपको चीजें बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो गई होंगी अब आगे बातचीत करते हैं कुछ और चीजों के ऊपर चलते हैं लाइक ये तो जनरल एग्जाम्पल्स हो गए कि भाई ट्राइंगल ले लिया साइड्स ले लिया अल्फाबेट्स ले लिए इंटीजर्स का कलेक्शन ले लिया तो ये सब चीजें ठीक है अब आते हैं मुद्दे की बात पे क्योंकि फंक्शंस जो है अगर मैं एल्जेब्राइक फंक्शंस की बात करूं तो एलजेब्राइक फंक्शन इज टोटली डिफरेंट दैट इज एब्स्ट्रैक्ट तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सपोज कर

मेक दी फंक्शन टेबल ठीक है फंक्शन टेबल यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत पर आ जाते हैं ठीक है भाई तो हमारे पास यहां पर क्या होगा इनपुट होगा हमारे पास यहां पर इनपुट होगा और फिर क्या होगा आउटपुट होगा अच्छा इनपुट आउटपुट को समझने की कोशिश करिए इनपुट आउटपुट समझने की कोशिश करिए यहाँ पर जो एक्स है ये क्या है सेट वन है कि सेट टू है अगर मैं इसी सेम चीज को इसी सेम चीज को उसी तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर क्या है ये फंक्शन है ये फंक्शन है एक ये सेट वन हो गया और एक ये सेट टू हो गया एक ये सेट वन हो गया और एक ये सेट टू हो गया अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या करा मैंने क्या करा इस तरीके से एक फंक्शन ले लिया है वाई इज इक्वल टू दी टू एक्स y is equal to the 2x ठीक है तो सेट वन में क्या होगा सेट वन में हम लोग x पुट करेंगे और सेट टू के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिल जाएगी तो सेट वन में हम वन पुट करते हैं सपोज कर लो टू पुट करते हैं और थ्री पुट करते हैं तो फंक्शन टेबल बना रहे हैं तो मैं वन पुट करूंगी टू पुट करूंगी और थ्री पुट करूंगी तो फंक्शन क्या करेगा फंक्शन इज गोइंग टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन सेट वन एंड सेट टू से तो जैसे ही आप इस फंक्शन में वन पुट करोगे तो यह फंक्शन सेट टू के साथ एक रिलेशनशिप में टू वैल्यू मिल गई इसी के साथ जैसे आप टू पुट करोगे तो टू टू जो फोर हो जाएगा आउटपुट आपको फोर मिलेगा तो सेकेंड सेट में एक और मेबर आ गया फोर ठीक है ना इसी के साथ अगर आप यहां पर थ्री पुट करोगे एक्स की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो 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 कितना मिल 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 जाएगा? जाएगा। तो पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? Six देखने को को रहा रहा है? है। है, है। में हम देख सकते हैं एक एक आपका variable X है, एक आपका की की मर्जी की जो मर्जी डाल दो, ठीक है ना? जो मर्जी पुट कर दो वन पुट कर दो जीरो पुट कर दो इंफिनिटी पुट कर दो जो आपका मन करे पुट कर सकते हो मगर जो भी पुट करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट देखने को मिलेगा तो देर आर टू वेरिएबल्स एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई है तो एक्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, है भाई एक्स को क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है इट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एक्स तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहलाता है तो ये कुछ रिलेशनशिप आपको यहां पर देखने को मिल गए फंक्शन की जगह क्या हमने पुट कर दिया है वाई इज इक्वल टू दी ठीक है y इज इक्वल टू दी टू तो यहां पर क्या है नाउ इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन फंक्शन रिलेट्स द इनपुट एंड आउटपुट अभी समझो अभी बहुत मजा आने वाली लाइक अभी खत्म नहीं हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ है अभी तो पिक्चर बाकी है अभी देखो अभी देखो मैं जो लाइन लिखने जा रही हूं उसमें और मजा आएगी ठीक है ना इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन ये सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाएगा ठीक है स्क्रीन पे लिखने का सी सिंपल सा रीजन यह जो भी नोट्स बना रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाए और समझ में भी आपको ज्यादा बेटर तरीके से आएगा नो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन नॉ इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन फंक्शन फंक्शन रिलेट फंक्शन क्या करता है रिलेट करता है रिलेट इनपुट फंक्शन रिलेट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट को क्या कर देता है रिलेट कर देता है बट अब यहां पर देखो बट देर इज अर इज अ लिमिटेशन यहां पर भी क्या आ गई लिमिटेशन आ गई अब पिक्चर यहां पर एकदम चेंज हो गया कि अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन हो तो वो फंक्शन होगी फंक्शन नहीं होगी ये कैसे पहचानेंगे फॉर एग्जाम्पल यहां तक तो सब कुछ समझ आ रहा था फंक्शन फंक्शन सब क्या हो गया सेट क्योंकि मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रही हूं सपोज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी एक्स अब आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है ज दिस दंक्शन ठीक है जल्दी से मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है हर्षा आप मुझे बताओ सिंपल सा टॉपिक है मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूं आप मुझे बताइए इज दिस फंक्शन और नॉट ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा जल्दी से मुझे आंसर करिए हर्षा का मुझे आंसर चाहिए भाई ये फंक्शन है कि नहीं है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ठीक है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है वाई दिस इज नॉट दंक्शन ये फंक्शन क्यों नहीं है वाई दिस इज नॉट द फंक्शन क्यों फंक्शन नहीं है भाई हा मैनी वन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ मैनी वन क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे और आप यहां पर फंक्शन टेबल क्रिएट करोगे अगर आप यहां पर फंक्शन टेबल क्रिएट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपको यहां पर देखने को मिलेगा सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट ठीक है ना सिंगल इनपुट से क्या मिल जाएगा मल्टीपल आउटपुट मिल जाएगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू द्लस माइनस अंडर रूट एक्स तो यहां पर अगर सपोज कर लो आपने इनपुट में वन पुट करी तो आउटपुट में आपको अंडर रूट वन और माइनस अंडर रूट वन मिलेगा अगर आपने टू पुट करी तो आपको अंडर रूट टू और माइनस अंडर रूट टू मिलेगा अगर आपने थ्री वैल्यू पुट करी तो अंडर रूट थ्री और माइनस अंडर रूट थ्री मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शन इज समथिंग जो आपको फॉर अ गिवन इनपुट एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है मतलब क्या है कि अगर हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं दिस इज नॉट द फंक्शन ये आपका क्या है फंक्शन नहीं है नॉट फंक्शन ठीक है दिस इज नॉट दी फंक्शन क्यों फंक्शन नहीं है क्योंकि सिंपल यहां पर एकदम सिंपल बात है कि भाई अगर हम फंक्शन बना रहे हैं एक सेट को दूसरे सेट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं फॉर अ गिवन इनपुट फॉर अ गिवन इनपुट आपको यहां पर एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा ठीक है ना स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा यहां पर अगर आपने एक्स की कुछ वैल्यू पुट करी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो यहाँ पर वैल्यू uh, मिलेगी आउटपुट मिलेगा दैट इज योर स्पेसिफिक आउटपुट सो दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन हाँ तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है यहां पर आपका लग रहा है वन टू मैनी ठीक है ना यहां पर क्या है वन टू मैनी एक वैल्यू पुट करो और मैनी वैल्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे मतलब क्या है एक आपका क्या है इनपुट है और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर मल्टीपल आउटपुट देखने को मिल रहे हैं एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीपल आउटपुट देखने को मिल रहे हैं ये भी आउटपुट है दिस इज दी आउटपुट ये भी आउटपुट है यह भी आउटपुट है यह भी आउटपुट है तो दैट इज नॉट दंक्शन तो ये आपका बेसिकली हो जाता है लिमिटेशन ऑफ दी फंक्शन ठीक है भाई चलो भाई आगे चलते हैं यहां पर फंक्शन हमें एकदम क्लियर हो गया फंक्शन इज समथिंग दैट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट ठीक है एक आउटपुट से आपको क्या मिलेगा सिर्फ एक ही इनपुट देखने को मिलेगा ना इट्स टाइम टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी टाइप ऑफ इंटरवल टाइप ऑफ टाइप ऑफ इंटरवल ठीक है ना टाइप ऑफ इंटरवल क्या होते हैं देखो देर आर टू टाइप ऑफ इंटरवल सबसे पहला इंटरवल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये से हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वन इज दी ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ठीक है ना ओपन इंटरवल हो गया और दूसरा हमारा क्या कहलाता है दूसरा हमारा कहलाता है क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल तो दोनों को समझने की कोशिश करिए ओपन एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है ठीक है तो यहां पर दोनों को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो एक एक्सेस को ड्रॉ कर लीजिए ठीक है एक को कर लीजिए और यहां कर इस number पर आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है ए और इस नंबर लाइन पर आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है बी आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है ए और आपको यहां पर मिल रही है वैल्यू बी अब आप कैसे डिफाइन करोगे ओपन इंटरवल कौन सा है क्लोज इंटरवल कौन सा है समझने की यहाँ पर कोशिश करिए देखो अगर आप ऊपर इंटरवल की बात करोगे मैं यहाँ पर आपसे कहती हूं यहाँ पर सपोज कर लो इस एक्सेस पर आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है ठीक है ना इस एक्सेस पर भी आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है तो मैं आपसे कहना चाहती हूं एक ऐसा इंटरवल क्रिएट करो एक्स की ऐसी रेंज बनाओ जिसमें क्या हो x a से बड़ा हो a ना हो ए नहीं हो सकता ए से जस्ट बड़ा हो और बी से जस्ट छोटा हो तो आप को कैसे शो करते हो कि एक्स हमारा क्या हो एक्स हमारा होगा ए से बड़ा और बी से छोटा क्योंकि ग्रेटर है और यहां पर क्या है लेसर है सिर्फ ग्रेटर है सिर्फ लेसर है अगर मैं यहां पर बोलू एक्स की एक ऐसा इंटरवल क्रिएट करो जहां पर एक्स की वैल्यू ए हो और उससे बड़ी हो बी हो और उससे छोटी हो तो आप यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू ए And less or equal to the B. तो अगर आपको इसको इंटरवल में शो करना हो यानी ब्रैकेट में अगर आपको इस पर्टिकुलर को शो करना हो, तो आप कैसे करोगे? देखो, को के हमें से कुछ बड़ी वैल्यू लेनी है बी से कुछ छोटी वैल्यू लेनी है यानी इन बिटवीन हम लोग एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहां पर क्या है इन बिटवीन भी ले सकते हैं भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं तो यहां पर आपको सॉलिड सर्कल देखने को मिलेंगे आप सॉलिड सर्कल इस तरीके से बनाओ और ये आपका क्या हो गया ये आपका इंटरवल हो गया अगर आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं सी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी ओपन इंटरवल होंगे वो सी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होंगे आप देख सकते हो सी ब्रैकेट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द सी ब्रैकेट जब भी कभी ओपन इंटरवल शो करेंगे तो यहां पर ए b बी शो करेंगे जब लाइक बेसिकली सी ब्रैकेट शो करेंगे जब भी क्लोज इंटरवल को शो करेंगे तो हम लोग यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने वाले okay. समझ आ गया भाई क्लियर हो गया ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जल्दी से मुझे यस और नो में आंसर दीजिए देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ हो फटाफट पूछ लो ठीक है ना

ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे फंक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे देन कुछ स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है ना तो पहली हेडिंग हम लोग यहां पर डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं फंक्शन को आप इस तरीके से आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू दी टू एक्स ठीक है बोथ आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फंक्शन दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे बात सेम है यहां पर एक्स क्या है एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ ऑफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे जैसे आप X की की वैल्यू वैल्यू यहां पर पुट करोगे आपके F of X की चेंज होती चली जाएगी तो ये छोटी छोटी बातें जो है इंपॉर्टेंट है कई बार माइंड से स्लिप हो जाती है तो अभी स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला मैं यहां पर लिखूंगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दाइन एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दाइन एक्स यहां तक किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है अंतिम बैच में सर्च करो मैथ लेक्चर वन फाइल में जाइए लिखिए मैथ लेक्चर वन आपको मिल जाएगी इसी तरीके से मैथ लेक्चर टू नो मैनी वन इज नॉट फंक्शन वन टू वन इज द फंक्शन मैनी वन इज नॉट फंक्शन ग्राफ याद नहीं रहते हैं ठीक है चलो अभी सिखा देंगे ठीक है ना अभी थोड़ा सा आइडिया देते जाएंगे कि किस तरीके से ग्राफ को आप याद कर सकते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं होगी नो वरी अबाउट इट सर्च करो हाँ मिल जाएगा बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं साइनेक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा तो यहां पर क्या करिए सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ठीक है और फिर उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आ गई अब यहां पर आपको कौन कौन सी वैल्यूज आप डील करते हो आप एक्स इज इक्वल टू दी जीरो डील करते हो ठीक है ना फिर क्या डील करते हो एक्स इज इक्वल टू दी पाई बाई टू देन उसके बाद एक्स इज इक्वल टू दी पाई फिर आप क्या डील करते हो थ्री पाई बाई टू एंड देन आप डील करते हो टू पाई इन सिमिलर मैनर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा माइनस का पाई बाई टू मिलेगा फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा माइनस का पाई मिलेगा माइनस का थ्री पाई बाई टू मिलेगा देन आपको यहां पर मिलेगा माइनस का टू पाई ये आपका नेगेटिव हो गया यहां पर आप क्या करोगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पुट करोगे और फिर आपको फंक्शन की उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी साइन को आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि साइन किस तरीके से वर्क करता है भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है वन मिलती है ठीक है ना साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है वन मिलती है और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है टू मिलती है ठीक है भाई यहाँ पर जब साइन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो वन और टू यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिल जाती है सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ये वन हो गया एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ये माइनस का वन हो गया Now, अगर मैं साइन जीरो की बात करूं तो साइन जीरो पर जीरो मिलता है एक डॉट आपने ये ड्रॉ कर लिया साइन नाइनटी पर कितना मिलता है मिलता है साइन पाई पर कितना मिलेगा मिलेगा पाई जीरोगा माइनस वन मिलेगा और टू पाई पर अगेन आपको यहां पर जीरो देखने को मिल जाता है अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर, देखो तो पर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा माइनस पाई बाई टू से माइनस वन देन जीरो मिलेगा देन वन मिलेगा देन आपको अगेन माइनस टू फाइव पर भी जीरो देखने को मिल जाएगा जैसे आप सारे पॉइंट को फ्री हैंड से इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो साइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाता है इसी तरीके से आप इसको लेके नेगेटिव एक्सेस पर चले जाइए ठीक है ना तो ये आपको क्या मिल गया दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन एक्स अब यहां पर तीन चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की डोमेन की बात करेंगे देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे रेंज की बात करेंगे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की रेंज क्या है और यहां पर मैं बात करूंगी थर्ड हमारा हो गया पीरियड ठीक है ना थर्ड हमारा क्या हो गया पीरियड हो गया तो अगर मैं यहां पर आपसे डोमेन की बात करूं तो डोमेन किससे रिलेटेड था इनपुट से रिलेटेड था या आउटपुट से रिलेटेड था हाँ पूरा मैथमेटिक्स कवर होगा ठीक है गेट मैकेनिकल के लिए पूरा कवर होने वाला ठीक है भाई समझ आया कि नहीं आया ओके कैन यू यूज क्लोज ब्रैकेट बिफोर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज आप इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हो आगे बताऊंगी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ठीक है ग्राफ में ही आपको इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा डोमेन रिलेटेड विद द इनपुट और इनपुट हमारा कौन सी एक्सेस पर है इनपुट हमारा एक्स एक्सेस पर है तो यहां पर आप देख सकते हो ये पूरी जो आपको रियल एक्सेस दिख रही है ये पूरी के पूरी हमारी क्या है डोमेन है अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारी क्या है

अब इसके बाद बनाओगे तो ये सेम रिपीट करने वाला फिर उसके बाद रिपीट करने वाला है तो यहां से देख सकते हो जीरो से टू पाई आपका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा तो टू पाई आपका यहाँ पर हो गया पीरियड इसके बाद आपको सेम ग्राफ देखने को मिलेगा अगेन ये बार बार अपने आपको क्या करता रहेगा रिपीट करता रहेगा ये इधर चला जाएगा माइनस इनफिनिटी और ये इधर चला जाएगा प्लस इनफिनिटी आप इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यानी पूरी एक्सेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो आप माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सी ब्रैकेट लगाने का सिंपल सा रीजन है कि इनफिनिटी तक आप नहीं पहुंच सकते ठीक है ना इनफिनिटी तक कोई भी नहीं जा सकता तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज योर डोमेन तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया रिपीट डोमेन्स वंस देखो डोमेन हमारा किससे रिलेटेड था इनपुट से रिलेटेड था तो एक्स की वैल्यू क्या है इनपुट है X क्या होगा इनपुट होगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा टोटल आउटपुट हो जाएगा जो फंक्शन आपको एफ एफ एक्स दिख रहा है तो एक्स की वैल्यू आप क्या कर सकते हो जीरो से लेकर जितनी भी बढ़ानी है बढ़ाते जाओ इधर जाओगे तो प्लस इंफिनिटी तक पहुंचोगे और इधर जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचोगे तो डोमेन जो है ना ये पूरी जो आपकी ये आपको रियल एक्सेस दिख रही है जो रियल नंबर्स दिख रहे हैं पूरी एक्सेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो इसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो आप क्या करो दिखा दो कि माइनस इन्फिनिटी यानी बहुत दूर कहीं से आया जीरो पे आया देन बहुत दूर कहीं चला गया प्लस इन्फिनिटी अब इन्फिनिटी तक कोई जा नहीं सकता ठीक है ना इन्फिनिटी तक कोई जा नहीं सकता तो हम एग्जैक्ट यहां पर क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते दैट्स वाई मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट का यूज करा यानी सी ब्रैकेट का यूज करा है ठीक है ना आगे चलते हैं भाई ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट जो फंक्शन है समझने की कोशिश करिए जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो क्या है भाई वो क्या है भाई वो हमारा है वो हमारा है एफओक्स एफ ओ फैक्स इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी कॉस एक्स अब चलो भाई इसको समझने की कोशिश करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी और यहां पर क्या करिए वर्टिकल एक्सिस बना लिए इसी के साथ कुछ वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं ठीक है ना यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं जैसे कि यहां पर मिलेगा जीरो फिर क्या मिलेगा पाई बाई टू, देन अगेन कितना मिलेगा पाई मिलेगा देन अगेन कितना मिलेगा 3 पाई बाय 2 देन आपको कितना मिलेगा 2 पाई मिलेगा यहां पर क्या होगा यहां पर एक्स की वैल्यूज होने वाली हैं नेगेटिव एक्सिस पर जरा जाके देखिए कितना मिलेगा माइनस का पाई बाय 2 फिर कितना मिलेगा माइनस का पाई फिर कितना मिलेगा माइनस का 3 पाई बाय 2 देन अगेन कितना मिलेगा माइनस का 2 पाई मिलेगा अब यहां पर अगर आप कॉस को ऑब्जर्व करोगे तो कॉस की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1 और माइनस वन तो यहां पर एक आपको वन शो करेगा एक आपको क्या शो करने वाला है माइनस वन शो करने वाला है ठीक है तो चलो भाई सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करते हैं जैसे कि अगर आप कॉस को ऑब्जर्व करोगे तो कॉस जीरो पे कितना देता है वन देता है तो एक पॉइंट आपको यहां पर ये यह मिल गया पाई बाई टू पे कॉस्ट कितना देता है जीरो देता है तो ये पॉइंट आप यहां पर इस तरीके से हाईलाइट कर दो पाई पे कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा ठीक है ना पाई पर कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा इसी के साथ थ्री पाई बाई टू कितना मिल जाएगा अगेन जीरो कर सकते हो फ्री हैंड से इसको इस तरीके से इस तरीके से कनेक्ट करके शो कर सकते हो कुछ गड़बड़ बनाया है क्या भाई ठीक बनी है सारी चीजें देख सकते हो और इन सिमिलर मैनर आप इधर से भी इसको बना सकते हो ठीक है ना इसको इधर से भी आप बना सकते हो तो यहां पर देख लो मैक्सिमम कॉस्ट आपको वैल्यू वन देगा जो आपको जीरो देता है और मिनिमम आपको यहाँ पर माइनस वन देखने को मिल जाती ठीक है ना माइनस वन देखने को मिल जाती है जो आपको किस पे मिलेगी पाई पे भी मिलेगी और यहाँ पर आप माइनस पाई पर भी सेम चीज ऑब्जर्व कर सकते हो पाई और माइनस पाई पर सेम चीज क्यों मिल रही है सिंपल सा भैया रीजन ये है ठीक है ना क्या है हाँ सारी वैल्यूज देखो समझने की कोशिश करो ये क्या है ये आपका जस्ट जस्ट लाइक अ माउंटेन तो माउंटेन की जो पीक होगी वही तो सबसे ऊंचाई पर होगी ना माउंटेन की जो पीक होगी वही सबसे ऊंचाई पर होगी तो यहां पर पीक देख लो वन पर है मैक्सिमम इसके बाद तो सारी वैल्यू छोटी होनी है और क्रेस्ट देखो माउंटेन का क्रेस्ट कहां है सबसे नीची वैल्यू क्या है माइनस वन है तो इसके अलावा वन और माइनस वन के बीच में तो सारी वैल्यू इन बिटवीन होगी ना तो यहां पर अगर मैं आपके लिए लिखू डोमेन तो आप बोलोगे कि मैम डोमेन तो फिर से वही हो जाएगी या तो आप आर लिख दीजिए या तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख दीजिए क्योंकि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हर एक वैल्यू पर आप यह हर एक्स की हर एक वैल्यू पर फंक्शन आपको वैल्यू देने वाला है क्या कहीं पर भी अनडिफाइंड हो रहा है ये जल्दी से मुझे बताइए क्या कहीं पर भी अनडिफाइंड होगा कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होगा एक्स की माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो आपको हर एक वैल्यू पर आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज द मेन रीजन दिस इज योर कंटिन्यूअस फंक्शन ये क्या है ये कंटिन्यूअस फंक्शन आपको देखने को मिलेगा तो इसी वजह से साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया ये दोनों क्या है भाई ये दोनों आप के कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं बट इसके बारे में बात तभी करेंगे जब हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे ठीक है अभी सिर्फ फंक्शन को समझने की कोशिश करिए ये हो गया डोमेन नाउ रेंज की बात करिए रेंज की बात करिए तो आप बोलोगे कि इसकी रेंज भी आंख बंद करके -1 से 1 लिख दीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इसका पीरियड क्या होगा तो आप बोलोगे कि यहां से आया 0 से लेकर 2 पाई अब ये यहीं से रिपीट करेगा तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा इसका पीरियड भी हो जाएगा टू पाई सो दिस इज द द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फुल कोर्स होगा भाई कम से कम मैं कितनी बार पचास साठ बार तो इस बात का रिप्लाई कर चुकी होंगी ना कि फुल कोर्स होगा भाई फुल कोर्स होगा कैसे यकीन दिलाऊं क्या करूं बताओ ऐसे ऐसे हाथ काट के खून से लिख दूं फुल कोर्स होगा तब मानोगे लिख दू क्या अपने खून से लिख के दे दू आपको कि फुल कोर्स होगा हाँ ये देखो ईशान तिवारी लिख रहा हाँ यस मैम लिख दीजिए खून से है चलो भाई आगे चलते हैं दो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं नाइट्स टाइम फॉर द थर्ड फंक्शन इसको समझने की भाई कोशिश करिए थर्ड हमारा फंक्शन क्या है थर्ड फंक्शन है एफ ओफ इज इक्वल टू दी टेन एक्स ठीक है ना टेन एक्स को जरा ध्यान से देखते हैं टेन एक्स का फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आता है क्योंकि इसको बनाने में बड़ी मजा आती है ठीक है तो ये आपकी क्या हो गई इनपुट एक्सेस हो गई एक्स की सारी वैल्यूज में इसी में पुट करूंगी यहां पर एक वर्टिकल एक्सेस बना देते हैं और इसी के साथ एक्स की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है जैसे कि हम क्या करेंगे हम पाई बाई टू को भी रखेंगे हम पाई को भी रखेंगे तो सपोज कर लो यहां पर पाई बाई टू मिलेगा ठीक है ना सपोज कर लो यहां पर पाई बाई टू मिलेगा यहाँ पर आपको पाई मिलेगा फिर यहां पर आपको थ्री पाई बाई टू मिलेगा फिर यहां पर आपको टू पाई मिलेगा इन सिमिलर मैनर सपोज कर लो यहाँ पर माइनस का पाई बाई टू यहां पर क्या है भाई यहां पर पाई है यहां पर क्या है यहां पर है आपका थ्री पाई बाई टू और यहां पर क्या है आपका टू पाई है कितना मस्त लग रहा है भाई बहुत ही बढ़िया शानदार चलो भाई आगे चलते हैं तो यहां पर हमें एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी वाई इज इक्वल टू टेन एक्स यहां पर कितना मिलेगा पाई बाई टू यहां पर कितना मिलेगा पाई यहां पर कितना मिलेगा थ्री पाई बाई टू ठीक है यहां पर कितना मिलेगा टू पाई मिलेगा एंड ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई आगे चलो भाई निगेटिव पर चलो तो निगेटिव पर देखोगे तो माइनस का पाई बाई टू यहां पर क्या मिलेगा माइनस तो का पाई यहां पर क्या मिलेगा माइनस का थ्री पाई बाई टू देन अगेन यू विल गेट माइनस टू पाई मैंने आपसे बोला था आज के सेशन में कलाकृति जो है वो भर भर के है ठीक है ना ओके हाँ पीला फूल नीला फूल आप पढ़ाती हैं ब्यूटीफुल ओके बहुत ही बढ़िया डायमिक्स पढ़ चुके हैं लाइक करो हंड्रेड फुल कोर्स की गारंटी डेफिनेटली गारंटी है हंड्रेड लाइक्स हो चुके हैं कल के सेशन में अप्रॉक्सिमेटली थ्री फिफ्टी लाइक्स गए ठीक है आप लोग इतनी जल्दी कैसे मोटिवेशन लूज कर देते हो समझो भाई चलो भाई चलो भाई टेन का ग्राफ बनाते हैं ठीक है टेन का ग्राफ बनाते हैं मजा आएगी अच्छा मुझे ये बताओ टेन जीरो पर कितनी वैल्यू मिलेगी जल्दी से मुझे बताइए क्योंकि टेन जो है वो एक वैल्यू पर अनडिफाइन होता है वो कौन सी वैल्यू है पाई बाई टू है ठीक है ना tan एक वैल्यू पर अनडिफाइंड हो रहा है तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि tan जीरो पर कितनी वैल्यू दे रहा है तो आप बोलोगे मैम आपने कल ही तो टेबल बनवाया था tan जीरो में क्या लिखवा दिया था जीरो तो इसका मतलब है कि tan जीरो पर क्या देगा जीरो वैल्यू देगा देखो मैंने अलग रंग से इसको हाईलाइट कर दिया ठीक है भाई अलग रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया मैं अगर आपसे पूछूं कि टेन पाई बाई टू पर कितनी वैल्यू देगा आप बोलोगे कि पाई बाई टू तो अनडिफाइंड होगा इनफाइनाइट देगा इसका क्या मतलब है पाई बाई टू पर जो फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बड़े दूर से आ रहा होगा बहुत दूर से आ रहा होगा इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो चलो भाई इनफाइनाइट से बुलाते हैं तो यहां पर हमें पता चला कि पाई बाई टू पर इनफाइनाइट से आएगा आएगा आया 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 और जीरो पर जीरो वैल्यू देके माइनस पाई बाई टू फिर से इनफाइनाइट चला गया तो ये आपका क्या हो गया दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेन एक्स आ है ना बात समझ में यहां पर कि किस तरीके से हमको यहां पर वैल्यूज देख रही है अगेन समझो जीरो पर भी टेन जीरो देता है पाई पर भी टेन जीरो देता है और थ्री पाई बाय टू और पाई बाय टू पे क्या देगा अनडिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिटी देगा तो पाई बाय टू पर तो पॉइंट अगर क्लिक करोगे तो कहीं यहां पर क्लिक करोगे क्योंकि यहां पर क्या होगा इनफाइनाइट होगा थ्री पाई बाई टू पर क्लिक करोगे तो अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा अगेन इनफाइनाइट तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट से आएगा आएगा आया आया पाई पर जीरो देके फिर चला गया इनफाइनाइट पे तो इसी तरीके से आप देख सकते हो सारे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो इनफाइनाइट से आया पाई पर जीरो वैल्यू दी देन चला गया ठीक है भाई सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैन एक्स ठीक है ना दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेन एक्स अब इसमें मजा क्या आती है इसमें रेंज की बात करेंगे इसमें डोमेन की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे पीरियड की तो यहां पर देखो से का जो बिहेवियर है फिर थ्री पाई बाई टू के बीच में भी वही बिहेवियर है माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में भी वही बिहेवियर है इसका मतलब है ये पीरियड के बाद क्या कर रहा है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए भाई समझने की कोशिश करिए सबसे पहले यहां पर मेन हेडिंग पड़ेगी डोमेन ठीक है ना डोमेन फिर उसके बाद क्या डालेंगे रेंज क्या है रेंज क्या है और उसके बाद हमारा क्या होगा पीरियड क्या उल्टा चलते हैं भाई सबसे पहले ये मुझे बताओ कि पीरियड कितना है इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीरियड पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई जल्दी से मुझे बताइए पीरियड कितना होगा जल्दी से मुझे बताओ कि इसका पीरियड कितना होगा किस वैल्यू के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है अभी सिर्फ एक घंटा हुआ है भाई अभी तो चार अट्ठावन हुआ है कोई बात नहीं ठीक है भाई जल्दी से मुझे बताइए जल्दी से मुझे बताओ भाई पाई बाई टू ओके पाई बाई टू नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो जीरो से पाई बाई टू इधर है पाई बाई टू इधर है पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो दोनों को ऐड करोगे तो पीरियड आपको कितना मिल जाएगा पाई मिल जाएगा अब अगर मैं बात करूं रेंज की तो रेंज आप कैसे देखोगे के हाइट के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग कहां जा रहा है और कहां तक आ रहा है तो आप बोलोगे कि भाई इनफाइनाइट से आ रहा है और किधर चला जा रहा है माइनस इनफाइनाइट चला जा रहा है तो आप देख सकते हो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट अब मैंने यहां पर सी ब्रैकेट क्यों बनाया स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया बिकॉज डेफिनेटली इनफाइनाइट तक हम नहीं पहुंच सकते तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे सी ब्रैकेट को बनाने वाले हैं और आगे बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट डोमेन तो डोमेन क्या होगी यहां पर देखो जीरो पर वैल्यू तेरह है पाई पर वैल्यू मिल रही है थ्री पाई बाई टू पे नहीं मिल रही है बाई टू नहीं मिल रही है अनडिफाइंड हो रहा है तो यहां पर आपकी जो डोमेन होगी वो पूरी एक्सेस में वो वो वैल्यू होने वाली है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो फंक्शन की वैल्यू मिल रही हो तो यहां पर समझने की कोशिश करिए पहले तो हम लोग पूरी रियल एक्सिस कंसिडर कर रहे थे बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने पूरी रियल एक्सिस कंसिडर करी तो मुझे दिख रहा है पाई बाई टू पर वैल्यू नहीं मिलेगी थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू नहीं मिलेगी माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू नहीं मिलेगी माइनस पाई पर नहीं, नहीं मिलेगी और माँग... पाई पे मिलेगी माइनस थ्री पाई बाई टू पर नहीं मिलेगी तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या है इसमें से हमें वो वो पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे जिस पर वैल्यू अनडिफाइंड है तो एक जनरल वैल्यू मैं बनाती हूँ टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू अब यहां पर N की वैल्यू अगर आपने जीरो पुट कर दिया यहां पर अगर वैल्यू तो नहीं मिल रही है माइनस कर दिया इसकी तो वैल्यू भी नहीं मिल रही है ठीक है ना इसी तरीके से एन की वैल्यू अगर आप नेगेटिव में पुट करोगे तो नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज भी माइनस हो गई हैं। तो क्या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आया एन पाई बाई टू नहीं एन पाई बाई टू नहीं होगा एन पाई बाई टू नहीं होगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा क्योंकि एन की वैल्यू से आपकी ये वाली सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द द्स ओके भाई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आज सब कुछ सीख के जाना है भाई सब कुछ सीख के जाना है अब साइन कॉस टेन में तो चलो ठीक है देखे रहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं आगे चलते हैं और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको और बनवाती हूं तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा कौन सा होगा भाई थर्ड नहीं होगा फोर्थ होगा तो यहां पर लिखते हैं कॉसिक एक्स कॉसिक एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे चलो भाई देख लेते हैं इसको भी ठीक है तो ये हमारी क्या हो गई लाइन हो गया जहां पर हम लोग डिप दिण इंडिपेंडेंट वैल्यूज को पुट करेंगे ये डिपेंडेंट वैल्यूज हो गई देन इसके बाद हमें पाई बाई टू पर कुछ कुछ मिलेगा ठीक है पाई बाई टू पर कुछ कुछ मिलेगा पाई पर कुछ कुछ मिलेगा थ्री पाई बाई टू पर कुछ मिलेगा देन टू पाई पर भी कुछ वैल्यूज हमें मिलेंगी, इसी के साथ यहाँ पर देखो भाई माइनस पाई बाई टू पे कुछ मिल जाएगा भाई माइनस पाई पे माइनस थ्री पाई बाई टू पे एंड माइनस का हो गया आपका टू पाई ठीक है ना माइनस का क्या हो गया टू पाई हो गया अब समझने की कोशिश करिए फिर से समझने की कोशिश करिए अगर आप कॉसेक को देखोगे तो कॉसेक का इनवर्स क्या है साइन है तो साइन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं किसकी एक लाइन ड्रॉ कर दूं माइनस वन की और यहां पर प्लस वन की और एक लाइन ड्रॉ कर दो माइनस वन की तो समझना अब समझना अब सारी चीजें आपको सामने सामने दिखने वाली हैं यहां पर क्या है यहां पर वैल्यू आपकी जीरो है यहां पर क्या है पाई बाई टू है पाई है ठीक है ना यहां पर पाई है यहां पर क्या है थ्री पाई बाई टू है और यहां पर कितना है टू पाई है अगेन यहां पर देखिए यहां पर देखिए माइनस का पाई बाई टू फिर क्या मिलेगा माइनस का पाई फिर क्या मिलेगा माइनस का 3 पाई बाय 2 और यहां पर मिलेगा माइनस का 2 पाई अब कोसेक को क्या करना है आपको साइन से रिलेट करके इसका ग्राफ ड्रा करना है वाई नॉट n पाई n अरे भाई समझने की कोशिश करो भाई अगर यहां पर n पाई रख दिया और n की वैल्यू 0 डाली तो 0 तो 0 वाला पॉइंट पर तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ना यहां पर वैल्यू मिल रही है यहां पर वैल्यू मिल रही है तो वो वाली वैल्यू थोड़ी ना माइनस करनी हमें मिल रही है वो वाली वैल्यू माइनस करनी है पर फंक्शन तो पाई और जीरो ना मिले पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू माइनस का थ्री पाई बाई टू मिले तो एन पाई तो हो ही नहीं सकता ठीक है ना एन पाई तो हो ही नहीं सकता इस पर फोकस करो इस पर फोकस करो देखो भाई अगर मैं एक दूसरे का इनवर्स है ठीक है ना एक दूसरे का इनवर्स है चलो भाई समझो फिर से समझो फिर से समझो इस सारी चीजों को कौशिक और साइन क्या एक दूसरे का इनवर्स है चलो ठीक है समझ आ गई इतनी बात सबसे पहले मैं ये देखती हूं कि हमें वन और माइनस वन कहा पर मिल रहा था क्योंकि जहां पर वन माइनस वन मिल रहा होगा कॉशिक में भी वहां पर वन और माइनस वन मिलेगा जैसे कि यहां पर मुझे पता है साइन नाइनटी पर वन वैल्यू मिलेगी तो जैसे ही आप साइन नाइनटी यहां पर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा कॉशिक भी वहीं पर ही वन देने वाला है तो मुझे पता है कि पाई बाई टू पर वन वैल्यू मिल रही थी तो कौशिक में भी वन आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहां पर देखो यहां पर क्या है यहां पर वन वैल्यू यहां पर क्या है माइनस वन है ठीक है थ्री पाई बाई टू को देखोगे तो माइनस वन मिल रही थी मिल रहा था यहाँ पर माइनस वन मिल रहा था और उसके बाद क्या था यहां पर आपको वन मिल रहा था प्रॉब्लम कहां पर शुरू होगी प्रॉब्लम वहां पर शुरू होगी जहां पर साइन जीरो था क्यों ऐसा हो रहा है देखो दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्स शो कर रहे हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहे हैं तो यहां पर जैसे ही साइन जीरो होगा वैसे ही कॉसेक क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो अभी समझने की कोशिश करो साइन जीरो जीरो पर देता है तो जैसे ही आप साइन में जीरो पुट करोगे कॉसेक कहां निकल जाएगा भाई साहब दीवार तोड़ के बाहर इन्फिनिटी ठीक है भाई इसी तरीके से पाई पर साइन क्या दे रहा है जीरो दे रहा है तो जैसे ही साइन पाई यहां पर पुट करोगे अपॉन फिर उसे दीवार तोड़ के निकल जाएगा भाग जाएगा इंफिनिटी पर तो यहां पर जब आप कॉसिक एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे सो इट विल बी जस्ट लाइक दिस ठीक है भाई माइनस वन पे देखो अब पाई पर क्या मिलेगा वापस से इंफिनिटी भाग जाएगा और टू पाई पर भी क्या होगा वापस से इंफिनिटी भाग जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स को जब आप फ्री हैंड से इस तरीके से मिलाओगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी क्या ये समझ आया भाई वेरी गुड इवनिंग ठीक है क्या ये कॉस्क एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया कि कैसे बनाया रटना नहीं है मैंने भी कभी नहीं रटा आपको भी नहीं रटना है सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज पर आपको डिफाइन करना है कि आपका बेसिकली कहाँ पर ग्राफ जाने वाला है तो जीरो पर क्या होगा इंफिनिटी तो यहाँ पर अगर आप निगेटिव पर बनाओगे तो आपको निगेटिव में वैल्यू देखने को मिल जाएंगी ठीक है ना इस तरीके से यहां पर अगर आप बनाओगे तो यहां पर पॉइंट मिल रहा है तो इस तरीके से बना दो माइनस पाई पर भी क्या देगा इन्फिनिटी देगा और टू पाई पर भी क्या देगा इन्फिनिटी देगा तो आपको कुछ इस तरीके से बाकी सारे लोग भी लिख दो फटाफट बाकी सारे लोग भी भाई फटा फटाफट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है वापस से समझ लेंगे देखो फिर से समझो इसको ध्यान से समझो हमारे पास क्या है हमें बनाना है कौशिक एक्स का ग्राफ मैंने क्या करा मैंने कहा भाई साइन का तो पता है उसी से कुछ फायदा उठाया जाए और साइन की हेल्प से ही कौशे बना दिया जाए तो मैंने क्या करा मैंने सोचा कि क्या है के के बराबर है अब के कुछ चुनिंदा वैल्यूज पर ध्यान दीजिए जैसे की साइन वन कहां, कहां पर देता है क्योंकि मुझे पता है कि अगर वाई इज इक्वल टू दी वन बाई एक्स लिखा है एक्स की वैल्यू जहां वन होगी उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी वन हो जाएगी क्योंकि वन बाई वन वन के बराबर होगा तो इसी तरीके से मैंने साइन के बारे में सोचा कि साइन एक्चुअली में कहां, कहां पर वन वैल्यू दे रहा है तो मुझे क्या पता चला मुझे यहां पर पता चला कि भाई साइन जो है वो आपका पाई बाई टू पर प्लस वन देता है थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन देता है इसी तरीके से माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन देता है और माइनस थ्री पाइव बाई टू पे प्लस वन देता है मैंने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया फिर मैंने ये देखा कि साइंस जीरो कहां पर होता है क्योंकि वहां से मुझे एक आइडिया लगेगा कि कर्व बेसिकली आने कहां से वाला है तो यहां पर देखो भाई अगर आपने एक्स की वैल्यू को उठा के जीरो पुट कर दिया तो वाई क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा वन बाई जीरो तो मैंने देखा कि साइंस जीरो डिग्री क्या होगा

मिला दिया ठीक है भाई तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी तरीके से यहाँ पर देखो पाई पर इंफिनिटी है तो एक इंफिनिटी पर लिया पाई पर भी इंफिनिटी इंफिनिटी पे पॉइंट लिया और फिर से क्या कर दिया ग्राफ को मिला दिया तो जिस तरीके से इधर बना है और ये सारे ग्राफ मिरर इमेज ही तो है इसी तरीके से मैंने इधर भी बना लिया अब क्या अभी भी भाई ऊपर से जा रहा है जल्दी से मुझे बताइए पानी पी लू चलो भाई जल्दी से मुझे बताइए छोटे से दिमाग से ऊपर से जा रहा है भाई अभी भी ऊपर से जा रहा है क्या इतना इतना बुरा भी नहीं समझा रही मुझे लग रहा है ना इतना बुरा भी नहीं है आई थिंक समझने के काबिल है ये सारी चीज है एक ऊपर एक नीचे क्यों बनाया है देखो भाई समझने की कोशिश करिए ये माइनस वन पर भी तो वैल्यू मिल रही है ना आपकी माइनस वन पर भी वैल्यू मिल रही है तो डेफिनेटली यहां पर क्या मिलेगा एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दिस इज दी थ्री पर एक पॉइंट आपको यह देखने को मिल रहा है तो इसी वजह से क्या है एक ग्राफ आपका वन से होता हुआ इधर चला गया दूसरा पॉइंट आपको निगेटिव एक्सेस पर मिला है तो मैं आपने निगेटिव में बना दिया ठीक है ना आपने आपनेटिव क्योंकि है की. एक्स की पॉजिटिव है बट वाई की निगेटिव एक्सेस समझने की कोशिश करिए दिस इज दी पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स बस नेगेटिव है आपका वाई का और ये लिखा क्या है ये यही तो लिखा है वाई इज इक्वल टू दी कॉसेक एक्स y तो so, अगर आप y के निगेटिव रीजन में बना रहे हो ये आपकी क्या है ये आपकी ओरिजिन वाली लाइन है जहां पर वाई जीरो जाओगे तो y का निगेटिव क्राइटेरिया इसके ऊपर जाओगे तो y का पॉजिटिव क्राइटेरिया है इस वर्टिकल लाइन से इधर रहोगे तो x का पॉजिटिव क्राइटेरिया है इस वर्टिकल लाइन से इधर जाओगे तो x का निगेटिव क्राइटेरिया है सो इफ वी आर डीलिंग इन y एक्सेस तो डेफिनेटली यहां पर ग्राफ आपका निगेटिव में ही बनने वाला है यहां पर ग्राफ आपका निगेटिव में ही बनने वाला हाँ डोमेन का नहीं समझ आया भाई डोमेन का नहीं समझ आया तो डोमेन समझेंगे डोमेन समझेंगे ठीक है ना ये रफ वर्क हटा देते हैं अब यहां पर तीन चीजों के ऊपर हम लोग बात करते जा रहे हैं भाई डोमेन हो गया डोमेन हो गया फिर हम लोग वर्क करते हैं किस पे रेंज पर रेंज पर देन हम लोग वर्क करते हैं पीरियड पर ठीक है ना तो आप देख सकते हो पहले ग्राफ ऐसे गया फिर ग्राफ ऐसे गया अब इसके बाद बनाओगे तो अगेन ग्राफ ऐसे मिलेगा फिर ऐसे जाएगा इसका मतलब है जीरो से लेकर टू पाई इसका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा जीरो से लेकर टू पाई इसका पीरियड हो गया इधर भी देखो जीरो से माइनस पाई ऐसे बना मतलब कॉनकेव डाउन बना और उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर अप टाइप का कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा तो जीरो से माइनस टू पाई इसके बाद जब आगे बनाओगे तो फिर से इस तरीके से मिलेगा फिर से ऐसे यू मिलेगा और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कुछ समझ सकते हैं माउंटेन जैसा शेप आपको देखने को मिलने वाला है तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो आपका टू पाई हो जाएगा अब बात करते हैं रेंज की तो यहां पर रेंज की बात अच्छा चलो रेंज भी अभी छोड़ देते हैं अभी बात करते हैं डोमेन की ठीक है तो कौन कौन सी वैल्यू पर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है कौन कौन से एक्स की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है बेसिकली तो यहां पर पूरे आर पर तो डिफाइन है नहीं पूरी रियल एक्सेस पर क्या ये डिफाइन है बिल्कुल भी नहीं डिफाइन है ठीक है ना अभी ईशान तिवारी ने एकदम सही आंसर दिया है क्योंकि जीरो पर अनडिफाइन हो रहा है इंफिनिटी जा रहा है पाई पर अनडिफाइन हो रहा है टू पाई पर अनडिफाइन हो रहा है यानी जीरो पाई टू पाई तो आगे क्या होगा थ्री पाई पे मिलेगा फोर पाई पर अनडिफाइंड मिलेगा इसका मतलब है पूरी रियल एक्सेस में से एन पाई को क्या कर दो माइनस कर दो एन पाई को क्या कर दो माइनस जैसे ही एन जीरो पुट करोगे तो जीरो पर देख सकते हो अनडिफाइंड फिर जैसे ही आप एन की वैल्यू वन पुट करोगे पाई मिल जाएगा अनडिफाइंड आपने माइनस कर दिया एन की जगह टू पुट करोगे ये टू पाई मिलेगा यहाँ पर देखो अनडिफाइंड आपने वो भी माइनस कर दिया निगेटिव में वैल्यू पुट करोगे तो निगेटिव वाली वैल्यूज भी आपने क्या कर दिया है माइनस कर दिया है ठीक है भाई भाई स्ट्रेट लाइन तो आती ही नहीं है ना ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये जितने भी बेसिकली ग्राफ को प्लॉट करने वाले लोग हैं वो बेसिकली कैलकुलेशन से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं जब इसको ड्रॉ करा गया विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स सम बेसिकली टूल्स के साथ कुछ आपके सॉफ्टवेयर यूज करेगा तो उसमें तो ये ग्राफ आपका ऐसा आया ही नहीं ना आप यूटीएम मशीन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब ड्रॉ करते हो लोडिंग का तो वो ग्राफ जैसा आया है वैसा ही पढ़ोगे ना या आप कह दोगे कि नहीं नहीं भाई भाई वो अपर आ, बेसिकली अपर बेसिकली पॉइंट पॉइंट लोअर में भी स्ट्रेट बना दो। नहीं बना दो सकते ठीक है ना इट्स अ क्लियर कट बात है कि भाई आप नहीं बना सकते जैसा आपको फंक्शन बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा ठीक है ना तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगा पीरियड का कंसेप्ट समझा दे बिल्कुल पीरियड का कंसेप्ट होता है कि आप ये जो एक्सिस देख रहे हो एक्स वाली ठीक है ना कब ग्राफ अपने आप को इटसेल्फ रिपीट करने वाला है इट्स इटसेल्फ रिपीट करने का मतलब क्या है जैसे कि यहां से ये यह ग्राफ आया यहां तक अब इसके आगे बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना इसके आगे अगर आप बनाओगे तो वापस से सेम ग्राफ अपने आप को रिपीट करने वाला है तो हमने देखा 0 से लेकर कहां तक ग्राफ का बिहेवियर डिफरेंट है और उसके बाद इट सिर्फ वो अपने आप को रिपीट करने वाला है वहां से वहां तक की वैल्यू पीरियड हो जाती है तो ये आपका हो गया टू पाई इन सिमिलर मैनर यहां पर आप देखोगे ग्राफ ऐसे बना यहां पर ग्राफ ऐसे बना अब इसके आगे बनाओगे तो अगेन आपको इस तरीके से यू शेप देखने को मिलेगा इसका मतलब है जीरो से लेकर टू पाई तक आपको क्या मिलेगा पीरियड देखने को मिलने वाला है. ठीक है भाई ओके हाँ जहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जहां जीरो से लेकर जहां तक फंक्शन डिफरेंट बनेगा मतलब क्या है कि एक ऐसे ऐसा पीरियड जिसके बाद फंक्शन इट अपने आप को रिपीट करे अब इसके बाद जो बनाओगे तो वो तो सेम सेम दिख रहा होगा ना इसके बाद तो आप इंफिनिटी इन्फिनिट, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक बनाते जाओ हर बार आपको यू और इस तरीके से जस्ट ऑपोजिट यू फिर यू मिलेगा फिर ऑपोजिट यू मिलेगा फिर यू मिलेगा फिर ऑपोजिट यू मिलेगा तो यहां से लेकर यहीं तक तो डिफरेंट बिहेवियर है उसके बाद तो ये अपने आप को रिपीट करने वाला है ठीक है ना बिकॉज रीजन क्या है क्योंकि ये जो डिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये साइक्लिक बिहेवियर को शो करते हैं साइक्लिक बिहेवियर यानी इट अपने आप को बार बार क्या करते रहते हैं रिपीट करते रहते हैं इस वजह से यहां पर इसका पीरियड आपको क्या देखने को मिल रहा है टू पाई देखने को मिल रहा है अविनाश डोमेन हाँ, बता दू इसके डेफिनेटली डोमेन के बारे में बात करते हैं डोमेन देखो आर माइनस एन पाई कैसे लिख दिया आपको डोमेन बेसिकली वो होती है जिस पर फंक्शन आपका डिफाइन हो डेफिनेट वैल्यूज आपको देखने को मिल रही हो तो जीरो पर इंफिनिटी मिल रही है अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन पाई बाई टू पर डिफाइंड है फिर पाई पर क्या है वापस से देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये चेक करो कि ग्राफ कहां पर है तो ग्राफ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो फिर से अनडिफाइंड हो गया फिर थ्री पाई बाई टू पर फिर से माइनस वन टू पाई पर फिर से अनडिफाइंड तो आपको क्या करना है यहां पर बेसिकली डोमेन बनानी है तो पूरी रियल एक्सेस आपने ले लिया और उसमें से जो जो पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो रहा था उसको माइनस कर दिया तो आपको एक जनरल टर्म बनाना पड़ेगा एन के रिस्पेक्ट में क्योंकि तो इसके बाद भी इनफाइनाइट तक ये फंक्शन जाएगा आगे भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होने वाला है। तो हमने क्या करा पैटर्न को ऑब्जर्व करा जैसे कि जीरो पाई टू पाई तो हमें समझ आ गया आगे थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई ये जितने भी पाई हैं इनको हटाना है तो मैंने क्या करा एन पाई बना दिया अब एन की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो मिलेगा एन की वैल्यू वन डालोगे तो पाई मिलेगा एन की वैल्यू टू डालोगे तो टू पाई मिलेगा थ्री डालोगे तो थ्री पाई मिलेगा माइनस थ्री डालोगे तो माइनस का थ्री पाई मिलेगा तो पॉजिटिव एक्सिस पर एंड निगेटिव एक्सिस पर जितने भी ऐसे टर्म्स थे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड था वो सारा का सारा मैंने क्या कर दिया उठा के माइनस कर दिया तो आर में से वो सारे पॉइंट माइनस कर दोगे तो डेफिनेटली सिर्फ वही बचेगा

माइनस वन से इन्फिनिटी और उसके बाद कहां तक आएगा माइनस वन तक और यहां पर क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस वन कंसिडर किया जा सकता है इसे हम ले सकते हैं ये वैल्यू हमें मिल सकती है इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट फिर यूनियन लगा दीजिए ठीक है ना फिर यूनियन लगा दीजिए उसके बाद आपको क्या मिलेगा वन वैल्यू मिलेगी और वन से फिर के उसके बाद क्या हो जाएगा वापस से इन्फिनिटी सो दिस इज द रेंज वर्टिकल एक्सेस पर अपने ग्राफ को आप चेक करो आपको समझ आ जाएगा आपको समझ आ जाएगा भाई मैथ्स ऐसी ही होती है ठीक है और अगर आप थोड़ा सा धीमे धीमे चीजों को समझोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे जब ये सारी चीजें अप्लाई करना शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो आपको और क्लैरिटी देखने को मिलने वाली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन आप कितने नंबर ऑफ टाइम वीडियो को प्रेफर कर रहे हो नोट्स कैसे बना रहे हो बार बार ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक है ना तो ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं बहुत ही ईजी ढक्कन चीजें हैं भाई ठीक है डोमेन में कंफ्यूज हूं डोमेन में अभी भी भी कंफ्यूज हो भाई अभी आई डोंट so कि कोई कंफ्यूजन आपकी होगी ठीक है ना आई डोंट थिंक होगी कंफ्यूजन आपकी बनी बच्ची होगी चलो भाई आगे चलते हैं ठीक है ना रेंज वंस अगेन फिर से रेंज को समझा दें आप ये देखो कि विर्थ वाइज अब नॉट विर्थ वाइज हाइट वाइज अगर आप देखोगे तो कहां से कहां तक की वैल्यू कवर कर रहा है फंक्शन दैट इज योर रेंज तो आप देखोगे माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस वन तक कवर कर रहा है माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस वन तक अब ग्राफ देखो इसके बाद सारी वैल्यूज माइनस वन से छोटी होंगी माइनस टू उसके बाद माइनस इंफिनिटी वन के बाद जो ग्राफ का बिहेवियर है तो वन से इधर जाओगे तो वन से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी वन से बड़ी वैल्यू मिलेंगी और कितनी बड़ी जा सकती है इन्फिनिटी तक जा सकती है तो मैंने क्या करा निगेटिव पे लिखा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन

सी ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल और माइनस वन एक डेफिनेट वैल्यू है तो हमने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया फिर वन भी हम ले सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और प्लस इनफिनिटी पर चले गए तो ये हमारी क्या हो गई रेंज हो गई ठीक है भाई क्रिस्टल क्लियर है बहुत ही बढ़िया आगे चलें भाई सेक सेक वाला करोगे कि छोड़ दूं ये बताओ मुझे सेक वाला करोगे कि इसके बाद हालत खराब हो गई भाई छोड़ दें क्या देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं डिटर्मिनेंट भी शुरू कर सकती हूँ ठीक है डिटर्मिनेंट पढ़ लो रेंज पढ़ लो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन आप लोगों का एप्रिसिएशन ही एक एनर्जी आ, देता है हम लोगों को ताकि हम बेस्ट तरीके से वर्क कर पाए ठीक है तो चलो फिफ्थ ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एफ ओ फेक्स इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो जिस तरीके से कॉसेक एक्स को हमने समझा है उसी तरीके से हम सेक्स को भी समझ सकते हैं देखो भाई देखो भाई फिर से क्या करेंगे सेम तरीके से वर्क करेंगे ये ये हो हो गया ये y हो गया अब जिसको भी एक्स नहीं समझ आया है वो एक बार फिर से जरा नजरे अपनी बोर्ड पर लेके आए कमेंट सेक्शन को भूल जाए और मेरे साथ ग्राफ बनाए का क्योंकि जिस तरीके से हमने सेक एक्स का ग्राफ बनाया है उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं उसी तरीके से हम लोग सेक एक्स का भी बना सकते हैं जिस तरीके से कॉ सेक एक्स का बनाया ठीक है ना तो ये अभी आपको समझ आ गया होगा सारे पॉइंट्स को पहले मैं मेंशन करती हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए ये तो ओरिजिन हो गया जीरो मिलेगा यहां पर कितना मिलेगा पाई बाई टू यहां पर कितना मिलेगा

फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का थ्री पाई बाई टू और यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा माइनस का टू पाई ठीक है अभी फिर से समझो मुझे सेक एक्स का ग्राफ बनाना नहीं आता मगर मुझे कॉस एक्स का पता है क्योंकि वो इजी ग्राफ है तो हम लोग क्या करेंगे उसी की हेल्प से उसी की हेल्प से सेक एक्स को बनाएंगे जरा ध्यान से देखना हमारे पास क्या है हम लोग बहुत स्मार्ट है हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं ठीक है इंडिया वाले हैं जुगाड़ से काम चलाते हैं x क्या है वन अपॉन है, ठीक है या ऐसे लिख सकते हैं अगर आप x में इंटरेस्टेड हो आपको x चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपॉन x लिख सकते हैं अब x की कुछ Like, ऐसी ऐसी वैल्यूज देखो जिसमें तो एक्स की वैल्यू अगर वन होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी वन हो जाएगी तो यहां पर चीजें डिफाइन करना आसान होगा तो हमने जब कॉस को देखा तो मेरे माइंड में क्या आया कॉज जीरो क्या देता है वन देता है तो मैंने क्या करा कॉज जीरो वन देता है तो पॉइंट प्लॉट कर लिया पाई बाई टू कितना देता है जीरो देता है छोड़ देते हैं पाई वैल्यू कितना देता है माइनस वन देता है और टू पाई कितना देता है फिर से वन दे देता है पॉइंट प्लॉट कर लिया इसी तरीके से अगर आप यहां देखोगे तो माइनस पाई पे माइनस वन मिलता है और उसके बाद टू पाई पे फिर से आपको यहां पर वन देखने को मिल जाता है तो मैंने क्या करा वो सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए जहां पर कॉस वन वैल्यू देता था क्यों कॉस के पॉइंट्स प्लॉट करे का ग्राफ बना रहे हैं। में क्यों इतने इंटरेस्टेड है क्योंकि मुझे पता है जहां जहां पर कॉस वन है वहां वहां पर सेक भी वन हो जाएगा तो यहां पर एक्चुअली हम लोग कॉस के पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग सेक के पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं कॉस जीरो पे वन तो सेक भी वन हो गया तो सेक का एक पॉइंट मैंने देख सकते हो वन पर प्लॉट कर दिया लाइक like, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं तो आपको पॉइंट्स क्लियरली दिख जाएंगे Cos 0 पे one होता है तो सेक की वैल्यू भी वन मिलेगी कॉस पाई पे माइनस वन होता है तो सेक की वैल्यू भी माइनस वन मिलेगी कॉस टू पाई पे फिर से वन देगा तो सेक भी वन हो जाएगा कॉस माइनस पाई पे माइनस तो वन देगा तो सेक भी माइनस वन हो जाएगा माइनस टू पाई पे, पे तो वन मिलेगा तो सेक भी वन हो जाएगा ठीक है अब कॉस की वो वैल्यूज देखते हैं जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर कॉस जीरो हो रहा है क्योंकि मुझे पता है यहां पर जैसे ही आप एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी ठीक है भाई तो कॉस एक्स की जगह अगर मैं जीरो पुट करूं तो आप बोलोगे पाई बाई टू पुट कर दीजिए जैसे आप पाई बाई पुट करोगे तो सेक कितना हो जाएगा वन अपॉइंट जीरो कॉस पाई बाई टू जीरो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी तो सेक की जो वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी मिलेगी तो मैं बोलूंगी कि यहां पर कोई पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा ठीक है भाई माइनस पाई बाई टू अगर आप पुट करोगे तो यहां पर नेगेटिव पर वैल्यू पुट कर रहे हो तो फिर से कुछ इन्फिनिटी आपको मिलेगा तो यहां से आप क्या कर सकते हो फ्री हैंड से ग्राफ को मिला सकते हो इन अ सिमिलर मैनर By two, अगर आप y पर बना रहे हो तो डेफिनेटली ग्राफ में बनेगा तो, तो होगा टू हो पे, हो पे भी हमें क्या देता है जीरो वैल्यू देता है तो वन अपॉइंट जीरो सेक वन अपॉइंट जीरो कितना हो गया अगेन इन्फिनिटी हो गया तो यहां पर कहीं पर मिलेगा तो ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है तो एकदम सेक जैसा बना है मगर वैल्यूज डिफरेंट है अगर आप देखोगे तो ये पाई पर वन दे रहा है और ये किस पे दे रहा है पाई बाई टू पर वन दे रहा है ठीक है ना तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा इधर भी आप बना सकते हो, इधर भी भी आप आप ऐसे ऐसे ही ही बना बना सकते सकते हो हो और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से निकल जाएगा क्या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है जल्दी से मुझे आंसर करिए रूट यूज रेड कलर ओके रेड कलर ज्यादा विजिबल है क्या रेड कलर आप लोगों को ज्यादा विजिबल हो रहा है क्या जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो भाई जल्दी से मुझे बताइए इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट सेकेक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया भाई ये सब चीजें समझने वाली हैं ठीक है ठीके? अगर आप थोड़ा सा लाइक फोकस करोगे तो आपको समझ आएगा कहीं पर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे लिख के बताओ ठीक है ना फिर मैं उस पर और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी तो इसमें क्या है इसमें अभी हमें चाहिए डोमेन अभी हमें चाहिए डोमेन रेंज चाहिए रेंज चाहिए और पीरियड चाहिए तो आप देख सकते हो पीरियड वापस से यहां पर अगर आप देखोगे माइनस पाई से पाई बाई टू और फिर से थ्री पाई बाई टू तो ये आपका क्या है ये ये आपकी यह आपकी बेसिकली यहां पर पीरियड है क्योंकि इसके जस्ट बाद फंक्शन इट अपने आप को रिपीट करेगा तो माइनस पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू तक के अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो इसके पीछ की डिस्टेंस कितनी पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो चार बार मैंने बोला प्लस पाई बाई टू तो चार बार प्लस आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा फोर पाई बाई टू के और फोर पाई बाई टू किसके बराबर हो जाएगा टू पाई के बराबर हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बच्चा आप देख सकते हो ये किसके बराबर हो जाएगा टू पाई के बराबर हो जाएगा क्या पीरियड समझ आया रोशनी अगर थोड़ी ज्यादा हो रही है सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द सम लाइट्स ठीक है जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए टू पाई यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया ठीक है अब बात करते हैं रेंज की तो रेंज आप देख सकते हो ये ग्राफ माइनस इन से माइनस वन पर जाएगा और वन से इन्फिनिटी तक बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि ग्राफ कौन कौन सी वैल्यूज को टच कर रहा है वाई एक्सिस पर तो माइनस पाई बाई माइनस पाई से माइनस वन टच कर रहा है फिर वन से पाई टच कर रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस पाई से माइनस वन टच कर रहा है फिर वन से क्या कर रहा है फिर वन से इन्फिनिटी टच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन टच कर रहा है और फिर वन से इंफिनिटी टच कर रहा है ठीक है एक आध चीजें इधर उधर बोल दू तो माफी भाई ठीक है पढ़ाते पढ़ाते दो चीजों पर फोकस करते करते कई बार मैं पाई को इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को पाई बोल देती हूँ डोमेन की बात करते हैं पूरी रियल एक्सिस डोमेन हो सकती थी बट इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी जिस जिस वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड है जैसे कि पाई बाई टू पर अनडिफाइंड है थ्री पाई बाई टू पर है, देख सकते हो की की तरफ तरफ जा जा रहा रहा है 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 पर भी में है इसका मतलब है इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू तो यहां पर एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो पाई बाई टू देखो माइनस हो गया न की वैल्यू अगर आप वन पुट करोगे तो थ्री बाई बाई टू थ्री बाई बाई टू पर भी देखो अनडिफाइंड है तो ये भी माइनस हो गया सो दिस इज कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है ब्लू बैकग्राउंड यूज करूं ठीक है भाई आप लोग क्या कर सकते हो ना थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए थ्री सिक्सटी तक लेके चले जाइए बहुत ही क्लियर सारी चीजें दिखेंगी थ्री सिक्सटी तक बस लेके चले जाइए ठीक है या मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ सेम डोमेन विद टेन एक्स हाँ सेम डोमेन हम कह सकते हैं जैसे किस में आपको डोमेन मिल रही थी उसी तरीके से आपको एल जबराइक की तरफ तो टोटल फाइव हो गए नाउ दिस इज यल रिप्रेजेंटेशन एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू दी कॉट एक्स ठीक है तो जैसे आपने टेन एक्स का बनाया था इन अर मैनर आप cot x का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है भाई तो यहां पर देखो जरा अगर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूं ये पाई बाई टू के लिए ये पाई के लिए ये थ्री पाई बाई टू के लिए और ये आपका क्या हो गया टू पाई के लिए हो गया ठीक है इसी तरीके से माइनस पाई बाई टू के लिए हो गया और यहां पर कितना हो गया माइनस पाई के लिए माइनस थ्री पाई बाई टू के लिए फिर उधर जाते जाएंगे तो आपको यहां पर थ्री पाई भी देखने को टू पाई भी देखने को मिल जाएगा तो ये आपका क्या हो गया जीरो हो गया ये पाई बाई टू हो गया ये पाई हो गया ये थ्री पाई बाई टू हो गया और ये आपका कितना हो गया टू पाई हो गया निगेटिव में चले जाइए माइनस का पाई बाई टू माइनस का पाई माइनस का थ्री पाई बाई टू और इसके आगे जाएंगे तो माइनस का टू पाई हमें देखने को मिलेगा अब समझो जरा ध्यान से हमें पता है कि कॉटिक्स जो है कॉटिक्स जो है वो टेन एक्स का ही क्या होता है इनवर्स होता है इसका मतलब है कि टेन की जीरो इन्फिनिटी वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं कॉट को डिफाइन कर सकते हैं कॉट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर टेन जीरो कहाँ कहाँ पर है तो आप बोलोगे कि, कि मैम अगर आप टेन जीरो देखोगे ठीक है तो यहां पर हम दो tan की वैल्यू डिफाइन करेंगे एक बार tan की वैल्यू 0 डिफाइन करेंगे और एक बार देखेंगे कि tan इंफिनिटी कहां पर हो रहा है तो 0 हो गया ठीक है ना 0 हो गया या कह सकते हैं कि tan हमारा 0 कब देगा और tan हमारा इंफिनिटी कब देगा तो जैसे ही tan 0 देगा देखो समझने की कोशिश करिए देयर इज अ इनवर्स रिलेशन जब tan 0 देगा उस टाइम पर cot कितना देगा इंफिनिटी देगा जहां पर tan 0 होगा 1 0 cot इंफिनिटी हो जाएगा और जहां पर tan इंफिनिटी होगा वहां पर cot 0 हो जाएगा बिकॉज़ आप जानते हो 1 0 होता है इंफिनिटी और 1 इंफिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है तो ये दो ऑब्जर्वेशंस मैंने निकाल लिया ठीक है अभी मुझे कोई नया कमेंट नहीं दिखा है आप लोगों का ये दो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि जहां-जहां tan 0 है वहां-वहां cot इंफिनिटी है जहां-जहां tan infinity है वहां वहां cot 0 है तो मैंने बोला कि tan 0 पर 0 है 0 डिग्री पर tan 0 है तो cot क्या है इंफिनिटी है फिर मैंने बोला कि tan π/2 पर क्या है इंफिनिटी है tan π/2 पर क्या है इंफिनिटी है तो अगर tan π/2 पर इंफिनिटी है तो cot कितना हो जाएगा tan के इंफिनिटी होने पर cot 0 हो रहा है तो यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी और यहां पर मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी 0 पर वैल्यू अनडिफाइंड होगी टेन जीरो पर वैल्यू अनडिफाइंड होगी और पाई बाई टू पर वैल्यू डिफाइंड होगी तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका आगे बढ़ जाएगा जैसे पाई बाई टू पर मिला है उसी तरीके से पर पर मिलेगा क्योंकि पर क्या मिलेगा क्योंकि क्या तो कॉट इन्फिनिटी है टेन थ्री पाई बाई टू पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो वन अपॉन इंफिनिटी कॉट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा तो कॉट यहां पर जीरो देगा जैसा इधर बनाया है, वैसा ही उधर बना लो वैसा ही उधर बना लो इस तरीके से ठीक है ना वैसे ही आपका इधर बन जाएगा समझ आया कि नहीं आया ये बताइए भाई समझ आया कि नहीं आया भाई आज आज मुझे ये बताओ आज आप लोग एकदम हिल गए आप आप लोगों से चलो दो मिनट बात कर लेते हैं फिर इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपका ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हो चुका है बताओ भाई लिखिए भाई जो भी आपके मन में चल रहा है मैम क्या पढ़ा रहे हो ठीक है <स्याँ> समझ आ रहा है मैथमेटिक्स आपको लगता है कि आप सारे सेशंस करने के लिए एक्टिव हो इसी तरीके से क्योंकि आप देख सकते हो कि जस्ट हाफ हो गए बच्चे एक ही सेशन के बाद तो आप देख सकते हो कि रिटेंशन टाइम कितना कम हो गया है स्टूडेंट्स का और इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होंगे यू हैव टू गिव टाइम और टाइम ही आप लोग नहीं देते हो तभी चीजें कवर नहीं होती है ओके okay. थोड़ा रिवीजन का जरूरत है है हाँ, बिल्कुल समझ आ रहा है। इतना ट्वेल्थ में क्लियर नहीं हुआ था अभी क्लियर करा देंगे सारा ट्वेल्थ का भी और इसी के साथ आपका कल से लीनियर एल्जबरा शुरू हो जाएगा ठीक है तो दो सेशन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा नेसेसरी था बिकॉज आपके फॉर्मूलाज भी सारे क्लियर हो गए एक बार आपने रिवाइज कर लिया और ग्राफ भी क्लियर हो गए तो कैलकुलस में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड तक बस बांच रहेंगे डेफिनेटली। अच्छा आप ये बताओ ना अभी जो अंतिम बैच शुरू हुआ था उसमें आपका थर्मो शुरू हुआ आई शुरू हुआ एम अम, शुरू हुआ अभी आपका बेसिकली और भी प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हुआ काफी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए अभी क्या हालत है देखो आप ठीक है चार पांच लोग लाइव रहते हैं और उसके बाद जो है दो ढाई सौ व्यूज जाते हैं ठीक है तो बड़े बड़े सब्जेक्ट इसीलिए एजुकेटर नहीं शुरू करते हैं बिकॉज वी आर वी आर वर्किंग ऑन दी प्लेटफॉर्म ठीक है वी हैव टारगेट्स वी हैव सम रूल्स रेगुलेशन जिसे हमें पूरा करना पड़ता है वहां पर जब हम एक कमिटमेंट दे देते हैं ना कि हाँ भाई साठ दिनों का सब्जेक्ट हम कवर करेंगे प्लेटफॉर्म पर और आप बीच में जब हाथ छोड़ देते हो आप फॉलो करना छोड़ देते हो तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना सबसे ज्यादा जो बीच में फंसता है वो एजुकेटर फंसता है क्योंकि अगर उसने बंद करा तो जो चार पांच स्टूडेंट देख रहे हैं वो कहेंगे कि आपने कमिटमेंट ब्रेक कर दिया आपने सेशन कंप्लीट नहीं कराया और अगर उसने बंद नहीं करा तो फिर टीम गालियां वकेगी ठीक है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है एजुकेटर की भाई ये आप लोग नहीं जानते हो ये बस मैं ही जानती हूँ कल से लीनियर रल स्टार्ट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में साइन कॉस का यूज रहेगा टेन सेक कॉसेक का यूज नहीं होगा एक आध क्वेश्चन में हो जाए तो हो जाए बट मुझे कवर कराना था तो मैंने सारे करा दिए इसी के बाद इसके बाद जो एल्जेब्राइक फंक्शन अभी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कवर करूंगी उससे ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी कैलकुलस में ठीक है तो वो जरूरी है हाइड्रोलिक मशीन कवर कर चुकी हूँ लामिया टेन अन अकेडमी डॉट कॉम विजिट करिए वहां पर आपको हाइड्रोलिक मशीन का फोल्डर मिल जाएगा डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आयुष झा कर सकते हैं बेसिक्स में क्या क्या बचा है सिर्फ आपका एलजबराइक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा है उसके बाद ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा लाइक मान के चलिए थर्टी मिनट्स मुझे और चाहिए देन कल डायरेक्टली चैप्टर नंबर पर जंप करेंगे लीनियर एलजबरा हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली वो भी बता देंगे देवनाथ ओके दो पता नहीं क्या बोल रहे हैं मेकअप परफेक्ट अच्छा ये आपका नाम ही है इतना लंबा मेरे अनएकेडमी पर आपको फ्लूड मैकेनिक्स पर मिल जाएगा बेसिक अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स मिल जाएगा और अभी मैथमेटिक्स चल रही है तो वो भी आपको मिल जाएगा हाइड्रोलिक मशीन मिल जाएगी किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए लामिया टेन अनएकेडमी डॉट कॉम गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेना एक वेबसाइट ओपन होके आएगी वहां पर जाके आप सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो नो 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 डोंट यूज बुक लाइक like, मेरे पास है ना मैं बीएस ग्रेवल की भी प्रैक्टिस करा दूंगी, टाइम पर आओ और नोट्स क्रिएट करो अगर कर सकते हो दो चीजें करिए कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं x का भी बताएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी एल जब कवर करेंगे ना तो एक्सपोनेंशियल भी आपका आ जाएगा थैंक यू वेरी मच यस माई टीचिंग एक्सपीरियंस देखो टीचिंग एक्सपीरियंस एज से आता है तो अभी तो मेरी एज भी इतनी नहीं हुई है ना अभी तो मैं धीमे धीमे बढ़ रही हूँ आप जैसे जैसे मैं चालीस साल की हो जाऊंगी तो मेरे पास कितना दस बारह पंद्रह साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा अब ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं चालीस साल की जगह सिर्फ पच्चीस साल की हूँ ठीक है भाई ज्योमेट्रिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाँ चलो भाई चलो अभी स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके <laughs> चलो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन अभी देखो इसमें क्या है ना अभी बातचीत शुरू कर दो फिर आप लोग देखो दो घंटे बतिया लोगे लंबा लंबा है थैंक यू आई विल ट्राई टू बी ठीक है स्टूडेंट्स ओके गया वही डिस्प्ले तोड़वा दोगे तुम लोग आज है चलो भाई एक बार वापस से इसको लगा देते हैं मोबाइल वोबाइल टूट जाएगा भाई रोने उने लगेंगे हम ओके भाई भाई बच गया पूरी डिस्प्ले चली जाती नुकसान हो जाता आज बतियाने के चक्कर में ठीक है चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं सेकेंड हेडिंग में यहां पर पुट करती हूँ सेकेंड हेडिंग आपकी क्या होगी पहला हमारा क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी हमारा हो जाएगा एलजेबराइक फंक्शन ठीक है आप एल फंक्शन देख लो क्योंकि इसके ग्राफ बड़े इजी इजी से होते हैं सिर्फ आपको फाइनल ग्राफ को ध्यान रखना है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी सबसे पहले ग्राफ की मैं बात करती हूँ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो जितनी वैल्यू आप x की पुट करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी ठीक है भाई उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई दिस इज योर एक्स और एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा y is equal to the x मिलेगा। तो यहां पर अगर आप x1 वन पुट करोगे तो उसके करस्पोंडिंग y1 मिल जाएगा अगर आप x2 टू पुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग y2 मिल जाएगा तो सारे पॉइंट को जब आप इस तरीके से मिलाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है इस तरीके से ठीक है ना इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है बेस्ट पार्ट क्या यहां पर वन पुट करा तो वाई वन मिलेगा यहां पर 2 पुट करा तो वाई टू मिलेगा मगर माइनस वन पुट करोगे तो y कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा और माइनस टू पुट करोगे तो y कितना मिलेगा माइनस टू मिलेगा तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो डेफिनेटली यहां पर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी और ये एंगल कितना होगा डिग्री क्योंकि अगर एकदम स्ट्रेट लाइन है तो नाइनटी डिग्री को एकदम बीस से कट करती हुई जाएगी तो वाई इज इक्वल टू दी एक्स हो गया इस पर ज्यादा इंफोसाइज ना करते हुए सेकेंड बताती हूँ वाई इज इक्वल टू ठीक है दिस इज द फंक्शन ठीक है, फंक्शन क्योंकि x की सिंगल वैल्यू पर y की सिंगल वैल्यू ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो यहां पर अगर आप इसको ड्रॉ करते हो चलो भाई इसको ड्रॉ करते हैं फटाफट ये आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस हो गया ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया ये x हो गया और ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर अगर आपने एक्स की वैल्यू वन पुट करी तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या मिलेगी फोर एक्स uh, की वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो वाई की वैल्यू वन मिलेगी बट जैसे ही एक्स की वैल्यू टू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर यानी वाई एक्सिस पर अगर आप देखोगे ठीक है ना वाई एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो चीजें ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है यानी एक्स की वैल्यू वन हो जाए एक्स की वैल्यू टू हो जाए एक्स की वैल्यू थ्री हो जाए और यहां पर एक चीज और समझो एक्स का स्क्वायर है तो अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस वन भी पुट करोगे ना अगेन प्लस वन हो जाएगी वैल्यू पुट करोगे अगेन प्लस का, का नाइन हो जाएगा इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नेगेटिव हो सकती है या मैं अगर आपसे बोलूं क्या इस फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है जल्दी से बता दो मुझे जल्दी से मुझे बताइए क्या इस फंक्शन का ठीक है इस फंक्शन का आउटपुट क्या निगेटिव हो सकता है भाई नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर क्या लगा है स्क्वायर लगा है इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया निगेटिव वाई एक्सेस पर तो ग्राफ जा ही नहीं सकता कोई किसी भी हालत में नहीं जाएगा तो ग्राफ आपका क्या होगा सपोज कर लो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा फिर दूसरा पॉइंट थोड़ा और ऊपर मिलेगा तीसरा पॉइंट थोड़ा और ऊपर मिलेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू कम कम चेंज होगी वाई की वैल्यू ज्यादा ज्यादा चेंज होगी तो सारे पॉइंट को जब आप इस तरीके से मिलाओगे ठीक है सारे पॉइंट को जब आप इस तरीके से मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा निगेटिव भी वैल्यू रखोगे तो भी वाई पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये तो छोटे छोटे फंक्शन है इनको ज्यादा नहीं देखते हैं ये सब पता रहता है थर्ड देखो अगर आपसे बोलता है y इज इक्वल टू द एक्स क्यूब आप y इज इक्वल टू क्यूब को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अब इसको देखो भाई यहां पर अगर आप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो रटने की जरूरत नहीं है ना रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि x जीरो पर y जीरो और अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा मगर वन होगा तो होगा वन होगा जाएगा टू होगा तो वाई एट हो जाएगा तेजी से चेंज होगा तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है क्यूब लगा है की अगर आप माइनस वन पुट करते हो तो वाई की वैल्यू भी माइनस वन हो जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करोगे तो वाई माइनस एट हो जाएगा एक्स अगर माइनस

वहां पर भी मिल जाएगी और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक अलग से पीडीएफ मिलेगा ठीक है ग्राफ का मेरे पास एक छोटा सा नोटबुक है ऑलरेडी टाइप्ड है वो तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको जरूर फॉलो कर लेना ठीक है भाई तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये किसका हो गया ये आपका एक्स क्यूब का हो गया अच्छा समझ आया ना कैसे बना जीरो पर तो जीरो उसके बाद क्या है जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाओगे तो स्ट्रेट नहीं होगा कुछ इस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज करेगा और डालोगे तो कुछ इस तरीके से वाई की वैल्यू वाई वाई चेंज होगी अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री डाली तो वाई माइनस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा तो इधर भी ऐसे ही जाने वाला सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू दी एक्स क्यू फोर्थ देखिए भाई इनवर्स के भी फंक्शन हो सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू दी 1 by x, इसका ग्राफ भी आपको देखो जितने भी ग्राफ अभी तक मैंने बताए हैं कोई भी ग्राफ रटने वाला नहीं है सिर्फ वैल्यूज के थ्रू ऑब्जर्व करो और प्लॉट कर दो ठीक है ना अब देखो भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो ये आपका एक्स हो गया और ये क्या हो गया वन बाई एक्स हो गया एक्स के करस्पॉन्डिंग वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी अब समझने की कोशिश करो ये इनवर्स है ठीक है ना ये इनवर्स है अब यहां पर क्या है इनवर्स में दो वैल्यूज आपकी बड़ी लाइक like, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं पहली कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि एक्स अगर जीरो पुट कर दें एक्स अगर यहां पर जीरो पुट कर दें तो y कितना हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू जीरो पर आपको यहां पर कहीं पर इंफिनिटी में ग्राफ देखने को मिलेगा और अगर मैं यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी यानी बहुत बड़ी इधर कहीं पर x की वैल्यू पुट कर दूं तो सडनली जैसे वन अप ऑन इन्फिनिटी करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी जीरो मिल जाएगी यानी इन्फिनिटी पे यहां पर कहीं पर पॉइंट मिलेगा ट्राई टू तो अंडरस्टैंड एक्स जीरो पर वाई इन्फिनिटी हो रहा है मैंने इन्फिनिटी पर एक पॉइंट बना दिया एक्स इन्फिनिटी पर ई जीरो हो रहा है तो मैं एक्स में इंफिनिटी चली गई यानी बहुत दूर चले गए ओरिजिन से और एक पॉइंट बना दिया जिस पॉइंट पर आपके वर्टिकल वाली वैल्यू जीरो तो आप यहां पर दोनों पॉइंट को फ्री हैंड से मिला दीजिए फ्री हैंड से मिला दीजिए तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल जाएगा निगेटिव एक्सेस पर कैसे मिलेगा देखो भाई इसको भी समझो अगर यहां पर आप देखोगे तो जीरो की दो कंडीशन है या तो आप जीरो प्लस डाल सकते हो या तो आप जीरो माइनस पुट कर सकते हो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ना दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि जीरो भी यहां पर जीरो भी देखोगे तो इन्फिनिटी पॉजिटिव में भी जा सकते हो इंफिनिटी नेगेटिव में भी जा सकते हो तो अगर आपने यहां पर जीरो प्लस पुट करा तो आप क्या हो गए जस्ट थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए और जैसे इधर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी आपको देखने को मिलेगा और इसी तरीके से यहां पर आपने अगर जीरो माइनस पुट कर दिया जीरो माइनस पुट कर दिए तो आप क्या हो गए जस्ट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए तो आपको माइनस इंफिनिटी देखने को मिल जाएगा यानी अगर आपने एक्स की जगह जीरो माइनस पुट करा तो इसके वाई आपको माइनस माइनस मिलेगा अगर आपने की वैल्यू पुट करी तो वाई की वैल्यू आपको लाइक अप्रोक्सीमेटली जीरो देखने को मिलने वाली है ठीक है ना माइनस जीरो जीरो बात तो एक ही है तो यहां पर कहीं पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलने तो ये बताओ मुझे वन बाई एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से मुझे आंसर करिए यस और नो में टू हंड्रेड लाइक्स हो गए अभी नहीं हुए भाई लाइक कर दो भाई मेकअप परफेक्ट ओके प्लस पर कोई कोर्स आएगा भाई अभी नहीं आएगा अभी नहीं आएगा बिकॉज प्लस के लिए टाइम बहुत कम रहता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम फ्री क्लासेस में अभी इन्वेस्ट हो रहा है ठीक है ओके okay, चलो भाई तो ये आपका क्या हो गया वन अपॉन एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वन अपॉन एक्स क्यूब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसी के साथ एक और ग्राफ यहां पर फटाफट -फड़ ड्रॉ कर लो कितने हो गए भाई थर्ड हो गया फोर्थ हो गया नाउ दिस इज योर फिफ्थ ग्राफ फिफ्थ ग्राफ क्या होगा y इज इक्वल टू दी वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ रटने चटने की जरूरत नहीं है ठीक है ना सिर्फ समझ लो सिर्फ समझ लो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप समझो यहाँ पर ध्यान से। अभी तक हम लोग वन अपॉन एक्स पे वर्क कर रहे थे वन अपॉन एक्स में क्या था कि अगर आप एक्स पॉजिटिव पुट कर रहे थे तो वाई पॉजिटिव मिल रहा था एक्स निगेटिव पुट कर रहे थे तो वाई निगेटिव मिल रहा था वन अपॉन एक्स में क्या होगा ठीक है ना वन अपॉन एक्स में आप अभी आ गया अभी ठीक है भाई हेलो भाई क्या हो रहा है नो साउंड मैम यू आर नॉट ऑडिबल हो गया पोपट पूरा आज के सेशन का है देखो हंसी देखो कितनी आ रही है ठीक है अभी तो ठीक हो गया है ना आप क्या टेंशन है आ गया आवाज आ गई सुन लो भाई फिर से सुन लो पूरी पूरी गाथा फिर से सुना देते हैं ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू है ठीक है कोई तो नहीं मैम ये वाला फंक्शन सुनाई नहीं दिया ठीक है चलो भाई अभी दिखाई नहीं दिया फिर सुनाई नहीं दिया फिर से सुन लो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर हो जाएगा वो पॉजिटिव ही आने वाली है तो होगा क्या फंक्शन कुछ इस तरीके से ही बनेगा मगर जो निगेटिव में फंक्शन मिल रहा था अब वो वाई प्लस तो टू पुट करोगे तो वाई प्लस फोर मिलेगा तो यहाँ पर अगर आप जीरो प्लस पुट करोगे तो वन अपॉइंट जीरो प्लस वन अपॉइंट जीरो से प्लस इंफिनिटी मिलेगा यहां पर मिल जाएगा और जैसे ही आप यहां पर जीरो माइनस पुट करोगे समझने की कोशिश करो यू आर ऑन दी निगे स्टिल उसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी मिलेगा तो पॉइंट वहां पर मिल गया इसमें क्या था अगर आपने जीरो माइनस पुट करा था तो आप निगेटिव एक्सेस पर चले गए थे एक्स के निगेटिव एक्सेस पर वाई निगेटिव था तो इन्फिनिटी निगेटिव एक्सेस पर मिला था तो माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था बट यहां पर ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर जीरो माइनस अगर आपने पुट कर दिया तो वो जीरो माइनस का स्क्वायर हो गया फिर से जीरो प्लस कर देगा अगेन आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी देखने को मिलेगा तो एक ये पॉइंट मिलेगा एक्स अगर आप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो वाई जीरो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और y की वैल्यू फिर से जीरो देखने को मिल जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलने वाला है अभी तो साउंड चेक नहीं करना है भाई साधना बता दीजिए भाई अभी वापस से क्या हो रहा है क्या कोई दिक्कत अभी तो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर साउंड आ रहा है बढ़िया मस्त तरीके से ठीक है अब चलो भाई अब दो तीन ग्राफ अब बचे हैं बस उस पर फोकस करिए ठीक है ठीके? तीन ग्राफ बचे हैं पहला ध्यान से देखो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू दी ए टू दावर एक्स दिस इज दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस इज exponential दिस इज the exponential फंक्शन ठीक है भाई अभी ध्यान से समझना क्योंकि ये समझ नहीं आया ना तो कुछ समझ नहीं आया समझ लो ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं समझ आया चलो भाई ध्यान से समझो मैंने e to टू power x क्यों नहीं लिखा टू दी पावर एक्स क्यों किसी भी वैल्यू पर आप फंक्शन को बना सकते हो ए की वैल्यू आप टू पुट कर सकते हो A की वैल्यू समथिंग होती है तो टू दी ए की वैल्यू तो आप वन से लेकर नॉट वन से लेकर आप टू से वन से थोड़ी सी बड़ी लेकर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको सब पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि ई टू दावर एक्स इज नथिंग बट टू पॉइंट सेवन समथिंग टू पावर एक्स होता है ठीक है तो ए टू पावर एक्स क्या है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अब यहाँ पर इसको हमें ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर ये यह जो a टू पावर x लिखा हुआ है यहाँ पर ये यह जो a है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है बेस है दिस इज आर बेस e हमारा क्या है e को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट ठीक है दिस इज नोन एज दी एक्सपोनेंट इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं एक्सपोनेंट हो गया पावर हो गया इंडेक्स हो गया ए हमारा क्या हो गया बेस हो गया ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझने ए को जरा ध्यान से देखो वन एक ऐसी खूबसूरत वैल्यू है देखो अगर मैं यहां पर वन टू पावर एक्स लिख दूं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी जल्दी से मुझे बताइए अगर मैं ए की जगह वन पुट कर दूं जिन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाया उन्होंने क्या करा कुछ ऑब्जर्वेशन दी वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे रही हूं कि अगर यहां पर आपने ए की वैल्यू उन्होंने क्या बोला सिंपल मैं आपको बता दूं उन्होंने बोला कि A1 नहीं हो सकता और A -negative, A -negative भी नहीं हो सकता ये दो चीजें नहीं हो सकती भाई ये दो चीजें एग्जिस्टेंस में नहीं हो सकती अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना रहे हो तो यहां पर ए वन टू दावर एक्स में आप बोलोगे वन है अगर मैं बोल दू वन की वन की पावर वन कर दीजिए आप बोलोगे वन है मैं बोलू वन की पावर हंड्रेड कर दो आप बोलोगे वन है मैं बोलू वन की पावर टेन थाउजेंड कर दो आप बोलोगे वन है तो वन एक ऐसा बेस है जिस पर कुछ भी पावर लगा दो कुछ भी पावर लगा दो हर बार आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कांस्टेंट बिहेव नहीं कर सकता इसमें एक एक्सपोनेंशियल चेंज आपको देखने को मिलने वाला है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या तो एक वर्टिकल लाइन होगी यानी किसी एक्स की एक वैल्यू पर आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी तो यहां पर मुझे ये समझ आ गया कि अगर हम एक ही जगह वन पुट करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर नहीं होगा ठीक है ना वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही रहना है तो हम ए को कभी भी 1 पुट नहीं करेंगे एक चीज हमें ये समझ आ गई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अगर मैं यहां पर यहां पर ए को नेगेटिव कर दूं तो यहां पर -2 टू दी पावर x हो जाएगा तो ये जो फंक्शन आपका बनेगा -2 टू दी पावर x अभी भी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू जो है वो आपकी माइनस में आने वाली है या आपकी प्लस में आने वाली है ये माइनस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम दिस माइनस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम तो जिन्होंने जिन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाया जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर वर्क करा उन्होंने बोला इसका फंक्शन बनाना है बनाओ कोई दिक्कत नहीं है मगर दो चीजों का ख्याल रखना ए को कभी भी वन पुट मत करना ए को कभी भी नेगेटिव मत करना ए हमेशा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने सीखे ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें यहां पर ग्राफ को ड्रा करना है अब हमें क्या करना है यहां पर ग्राफ को ड्रा करना है देखो भाई ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे दिस इज आवर बेस ठीक है दिस इज आवर बेस तो यहां पर अगर मैं की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं सपोज कर लो यहां पर मैं एक वैल्यू टू कंसिडर कर लेती हूं तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर एक्स ठीक है ना टू टू दी पावर एक्स सपोज कर लो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दू टू दी पावर एक्स पावर ठीक है तो यहाँ पर एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आप देख सकते हो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जैसे कि अगर आपने एक्स की वैल्यू को जीरो कर दिया तो टू टू पावर जीरो क्या हो जाएगा देखो एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करो किसी की भी खोपड़ी पे जीरो बिठाओगे ठीक है ना किसी की भी खोपड़ी पे जीरो बैठाओगे तो सन्नाटा तो यहां पर अगर आप टू की पावर जीरो कर दो थ्री की पावर जीरो कर दो वन थाउजेंड आप सपोज कर लो वन लैक आपका बैंक बैलेंस है इसमें जैसी पावर जीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर क्या होगा वन वैल्यू हो जाएगी तो हमें यह समझ आया अगर टू की पावर जीरो पुट करी तो वैल्यू वन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर अगर आप टू की वैल्यू सपोज कर लो पुट करते हो सपोज कर लो टू की वैल्यू पुट करते हो इन्फिनिटी तो टू की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने पर कितना हो जाएगा बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी बहुत लार्ज यानी टू की वैल्यू अगर आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो लार्ज ही लार्ज वैल्यू देखने को मिलेगी ना समझ रहे हो बर्बाद हो जाऊंगा हाँ बिल्कुल तो जीरो पुट करा किसी की भी खोपड़ी पे जीरो बिठाया तो बर्बाद हो गए एक रुपए बचेंगे आपके अकाउंट में ठीक ठीक है है फिर बैंक कॉल करेगी मेंटेन करिए मिनिमम बैलेंस ठीके? तो ये चीज हमें समझ आ गया अगर इन्फिनिटी कर दिया यानी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो उस समय तो सबसे लार्ज वैल्यू मिलेगी और यहां पर अगर टू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी कर दिया माइनस इंफिनिटी यानी एक्स की वैल्यू को सबसे कम कर दिया नेगेटिव में गए 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 के माइनस इनफिनिटी तक पहुंच गए तो यहां पर क्या होगा सबसे स्मॉल वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर और एक चीज और ऑब्जर्व करो एक चीज और ऑब्जर्व करो यहां पर वैल्यूज भी बहुत एक्सपोनेंशियली चेंज होंगी देखो 2 तो की पावर 2 तो से कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा 2 तो की पावर 3 से डायरेक्टली 8 मिलेगा 2 तो की पावर 4 से डायरेक्टली 16 मिल जाएगा तो टू की पावर फाइव से आप देख सकते हो थर्टी टू मिलेगा तो आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू तो आप एक एक करके बढ़ा रहे हो टू थ्री फोर फाइव मगर उसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू चेंज हो रही है वो देखो फोर एट सिक्स कर दोगे और बढ़ जाएगा आई थिंक ये थिंकोर के आसपास आपका पहुंच जाएगा तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो ठीक है ना यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर आप छोटी छोटी वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा बड़ी बड़ी वैल्यूज देखने को मिलेंगे ठीक है ना बड़ी बड़ी वैल्यूज देखने को मिलेंगी और हाँ एक ऑब्जर्वेशन और है एक ऑब्जर्वेशन क्या है अगर आपने पॉइंट डाला पॉइंट टू डाला 0.3 डाला तो आपको इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा बट जैसे-जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ जाएगी आपका इनपुट बढ़ जाएगा ये क्या है ये x आपका क्या है इनपुट है यही एक्सपोनेंट तो आप चेंज कर रहे हो ना तो जैसे-जैसे आगे टाइम गुजरता जाएगा और आपका इनपुट बढ़ता जाएगा तो आउटपुट ड्रास्टिकली चेंज होने लगेगा तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वी वी हैव हैव टू टू ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ देखो भाई, दोनों को समझने की कोशिश करिए ठीक है? इसको हटा देते हैं पहले फटाफट दो ग्राफ समझने की कोशिश करिए वो दोनों ग्राफ कौन से होने वाले हैं पहला मैं यहां पर इस तरीके से बनाती हूं पहला मैं यहां पर इस तरीके से बनाती हूं और दूसरा मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाती हूँ दो ग्राफ क्यों बना रहे हैं भाई अभी तो मैंने आपसे बोला अभी तो मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि ए की वैल्यू सिर्फ दो चीजें नहीं हो सकती हैं, वन नहीं हो सकती है और निगेटिव नहीं हो सकती है वन नहीं हो सकती है और निगेटिव नहीं, नहीं, नहीं हो सकती है इसका मतलब है ए की वैल्यू या तो वन से बड़ी होगी की वैल्यू या तो वन से बड़ी होगी और वन से बड़ी होगी तो वन होगी हो हो फाइव होगी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी और ए की वैल्यू अगर निगेटिव नहीं हो सकती वन नहीं हो सकती तो ए की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में तो हो ही सकती है ना वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा

ठीक है सिक्सटी फोर होगा ओके भाई यहां पर कुछ गलत लिख दिया क्या? सिक्सटी फोर ही तो होगा टू टू दावर सिक्स ठीक है ना 32 into 2 64 हो गया तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ आप लोगों को आई होप आया होगा अब दूसरे ढंग से समझने की कोशिश को टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव देर नंबर ऑफ वैल्यूज कर सकते हो मैं इसी से रिलेट कराने के लिए मैं क्या करती हूँ वन बाई टू लेती हूँ तो वन बाई टू की पावर अगर आपने टू करा तो ये कितना हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा वन बाई टू की पावर अगर आपने थ्री करा तो ये कितना हो जाएगा वन बाई एट हो जाएगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि अगर आपका जो ए का यानी जो बेस है अगर वो वन से छोटा है और वन से छोटे पे पावर बढ़ाओगे वो भी पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो फाइनल जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जैसे कि वन बाई टू की पावर यानी एक्स की वैल्यू थ्री कर दें तो ये कितना हो जाएगा फोर कर दो ये कितना हो जाएगा वन बाई सिक्सटीन अगर मैं यहाँ पर बोलू वन बाई टू की पावर फाइव कर दो तो ये क्या हो जाएगा क्लियर कट इंडिकेशन अगर आपके बेस की वैल्यू वन से छोटी है उसमें एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होने वाली है छोटी होने वाली है डिक्रीज होने वाली है बिल्कुल सही बात कही डिक्रीज होने वाली है ठीक है तो यहां पर हमें ये चीज समझ आ गया कि जिस तरीके से ये ग्राफ ऐसे जा रहा है यहाँ पर जब हम आएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए रीजन क्या है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और ए जीरो से वन वेरी कर रहा है तो आपके फंक्शन की वैल्यू छोटी हो रही है इन अ सिमिलर मैनर In a similar manner, अगर मैं थोड़ा सा और observation आपको suppose कर लो, by की 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 कितनी है है, है, यानी X की अब आप negative में बढ़ा रहे हो, तो 1 by 2 की minus 1, ये ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा टू मिलेगा वन बाई टू की वैल्यू सपोज कर लो आपने माइनस टू पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा वन बाई टू की वैल्यू सपोज कर लो आपने माइनस थ्री पुट कर दिया तो ये एट हो जाएगा इसका मतलब है कि अगर आपका बेस वन से छोटा है और आप एक्स की वैल्यू निगेटिव में बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगी वैल्यू आपकी लगातार इंक्रीज होगी तो आप देख सकते हो यहां पर एक्स है जीरो जैसे जैसे आप एक्स निगेटिव में बढ़ाते जा रहे हो योर फंक्शन वैल्यू इज गोइंग टू तो इंक्रीज इस फंक्शन वैल्यू योर फंक्शन वैल्यू इज गोइंग टू तो इंक्रीज ठीक है भाई यहां तक समझ आया यहां तक समझ आया कि नहीं आया जल्दी से मुझे बता दीजिए तो हम लोग आगे चल सकते हैं ठीक है ना अगर यहां पर टू की पावर जीरो पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी वन मिल जाएगी ठीक है ना यहां पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी वन बाई वन मिल जाएगी वन बाई टू की पावर अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो मैंने आपसे बोला किसी भी की भी खोपड़ी पे जीरो बिठा दो सब नील हो जाता है वन हो जाता है तो यहां पर ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ना ये कौन सा पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू

छुट्टी हाँ बस छुट्टी होने वाली है दस मिनट मुझे दीजिए बस दस मिनट में आपका सेशन खत्म हो रहा है ये सेकंड लास्ट फंक्शन है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है बट उससे भी पहले इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं ठीक है लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली आपका क्या है इट इज अ आपने ऑब्जर्व नहीं करा बट एक्चुअली में क्या है इट इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बोलोगे ये क्या कह दिया आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कैसे हो गया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कैसे हो गया ये क्या कह दिया देखो समझाते हैं अभी यहीं पर रुको सारी चीजें समझ ठीक है ये आपका क्या है टू दी पावर एक्स y इज इक्वल टू दू टू दी पावर एक्स आप बोलोगे ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मैं आपसे कहूंगी मैं आपसे कहूंगी कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है ये लॉग का बेस है ठीक है मैं आपसे कहूंगी ये जो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट है ये लॉग का नंबर है लॉग का नंबर है ठीक है और ये क्या है फाइनल रिजल्ट है तो वाई इज इक्वल टू 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 पावर एक्स को अगर आपको लॉग के टर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू टू बेस x इसको आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू दी टू लॉग टू बेस x अब ये कैसे लिख रहे हैं ठीक है ना चलो भाई आगे चलते हैं आगे चलते हैं भाई डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ आ रही है सारी चीजें इनवर्स ऑफ मोदी एक्सपोनेंशियल नहीं भाई यहाँ पे पॉलिटिकल बातें करना सख्त मना है ठीक है <laughs> चलो भाई आगे चलते हैं ठीक है थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करते हैं तो ये तो एक जनरल एग्जाम्पल हो गया जैसे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू को भी मैं डिफाइन कर दू जैसे कि यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू को भी डिफाइन कर दू ये तो एक्स के टर्म में हो गया सपोज कर लो एक्स की वैल्यू थ्री है तो टू टू दावर थ्री हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और टू टू दी पावर थ्री का आंसर हमें क्या मिलेगा एट मिलेगा मानते हो कि नहीं मानते हो ये एक एक्सपोनशियल फंक्शन है टू टू दी पावर थ्री जहां पर टू किसका काम कर रहा है टू बेस का काम कर रहा है ए का काम कर, का 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 कर रहा है और थ्री किसका काम कर रहा है एक्सपोनेंट का काम का कर रहा है पहले मैंने एक जनरल फंक्शन लिखा अभी डिफाइन कर दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ दोनों मशीन को वर्क करते आप देखो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखू तो मैं लिखूंगी लॉग जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो क्या है एट है और ये जो, जो क्या है बेस है और जो उसका एक्सपोनेंट है वो कितना है वो आपका थ्री है तो आप यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो मतलब क्या है जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इनवर्स है ठीक है ना ये आपका क्या है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और मैं बोल रही हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन का आप बोलोगे अभी भी मजा नहीं आई समझ नहीं आया चलो भाई आगे चलते हैं वापस से आपको दिखाती हूँ दोनों मशीन को बना लो एक्सपोनेंशियल वाली मशीन को बनाओ और यहाँ पर लॉग वाली मशीन को बनाओ दोनों मशीनों को यहाँ पर बनाओ ठीक है पहला वाला क्या है पहला वाला मशीन आप यहाँ पर पुट कर दीजिए वाई इज इक्वल टू the टू दावर एक्स ठीक है ना वाई इज इक्वल टू दू टू दावर एक्स पर क्या पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू बेस यहां पर टू डाल दिया ठीक है तो यहां पर अगर आपने एक्स की वैल्यू अगर आपने एक्स की वैल्यू वन पुट करी तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी टू टू दी पावर वन टू मिल जाएगी समझने की कोशिश करिए वापस से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ठीक है ना वापस इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान दो सारी चीजें समझ आएंगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब एक्स वन पुट करा तो वाई कितना मिला टू मिला एक्स की वैल्यू टू पुट कर दो चलो टू पुट कर दो तो वाई कितना मिलेगा फोर मिलेगा चलो भाई फोर पुट कर दो एक्स की वैल्यू फोर पुट कर दो तो वाई कितना मिलेगा टू टू दी पावर फोर कितना हो जाएगा भाई थ्री पुट कर दें क्या टू पुट है तो थ्री पुट कर देते थ्री पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एट हो जाएगा ठीक है ना ये कितना हो हो जाएगा Eight जाएगा अब यहाँ पर देखो अगर आपने एक्स की वैल्यू को टू पुट कर दिया जस्ट ऑपोजिट चल रहे हैं जस्ट ऑपोजिट चल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे बताइए कि वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ये हो जाएगा log टू बेस टू पढ़ाया था ना प्रॉपर्टी अगर आपका नंबर और आपका बेस दोनों सेम हो जाता है यानी अगर कहीं पर लॉग ए बे से मिलता है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी वन के बराबर हो जाएगी तो देखो वन मिल रहा है ऑपोजिट है वन डालोगे तो टू मिलेगा आलू डालोगे तो सोना निकालोगे ठीक है ठीक है अभी थोड़ा अभी अभी थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं ठीक है ज्यादा सही रहेगा तो यहाँ पर क्या है जस्ट इनवर्स है टू डालोगे तो वन मिलेगा यहाँ वन से टू मिल रहा है यहाँ से टू से वन मिल रहा है जस्ट इनवर्स तो दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर आपने टू डाला तो फोर मिला यहाँ पर क्या करो फोर डालो जैसे ही आप फोर डालोगे तो ये कितना हो जाएगा लॉग फोर की जगह लिख टू स्क्वायर बेस टू लॉग एल्फा टू दी पावर एन प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं तो ये, हो जाएगा, log 2 2, तो ये क्या मिल गया टू मिल गया वहां पर थ्री डाला था तो एट मिला था यहां पर एट डाल दो तो ये हो जाएगा लॉग टू का होल क्यूब डिवाइडेड बाई टू 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 पावर थ्री एट हो गया तो ये हो जाएगा थ्री लॉग टू बेस टू ये वैल्यू अगेन आपकी वन के बराबर हो जाएगी थ्री मिल जाएगा तो क्या अब नजर आ रहा है कि ये इनवर्स का फंक्शन है या कुछ और सबूत चाहिए जल्दी से मुझे बताओ समझ आ रहा है कि कुछ और सबूतों सबूतों और गवाहों की जरूरत है भाई अभी सबूतों और गवाहों की जरूरत तो नहीं बची है भाई ठीक है चलो होप सो होप सो क्लियर होगा ठीक है ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया देखो अब कुछ और चीजें समझो कुछ और चीजें समझो कि यहां पर यहां पर अगर आप लॉग एट बेस टू लिख रहे हो समझने की कोशिश करना दोनों को रिलेट कर रही हूं ठीक है ना x की वैल्यू एट पुट हो रही है x की वैल्यू एट पुट हो रही है तो यहां पर log 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ठीक है और यहां पर लाइक समझने की कोशिश करिए आपको यहां पर क्या चाहिए बेसिकली फाइनल रिजल्ट कितना चाहिए फाइनल रिजल्ट आपको 3 चाहिए ठीक है ये इसको इस तरीके से नहीं समझते हैं थोड़ा सा और और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करती हो हाँ कैसे समझाऊं चलो चलो ठीक है आगे चलते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले ठीक है ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे दो ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं ठीक है हमें यहां पर दो ग्राफ बेसिकली प्लॉट करने हैं और दोनों ग्राफ में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपके पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू दी ये आपका हो जाएगा log x और यहां पर आपका कुछ बेस होगा हमने बेस टू कंसिडर कर लिया था तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज नंबर ये हमारा क्या है नंबर है और ये क्या है दिस इज योर बेस ठीक है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए बेस आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता वन नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जो ए है वही बेस है एक्सपोनेंशियल में जो ए है वही बेस है और यहां पर क्या है यही लॉग का बेस बन चुका है समझने की कोशिश करिए a टू पावर एक्स लिख लीजिए चाहे एक्स लॉग बेस ए कर लीजिए यानी लॉग एक्स विद बेस ए कर लीजिए तो ए आपका वन नहीं हो सकता और ए आपका क्या होगा नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है ना ए वन नहीं हो सकता और ए आपका नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहां पर यहां पर आपके पास दो कंडीशन बनती हैं पहली कंडीशन क्या है a ग्रेटर देन 1 होगा और दूसरी कंडीशन क्या होगी a की वैल्यू 0 से लेकर 1 वैरी करने वाली है a की वैल्यू 0 से लेकर 1 वैरी करने वाली है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे करेंगे कि अगर यहां पर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है समझने की कोशिश करिए ये आपका क्या है 2 है हो सकता है फोर हो सकता है तो यहां पर ये वैल्यू अगर वन से ज्यादा होगी तो आपको ग्राफ में जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा जल्दी से बताइए मुझे मुझे जल्दी से मुझे आंसर करिए इस बात का देखो बेस बेस आपका आपका क्या हो सकता है या तो या तो आपका वन से छोटा हो सकता है या वन हो सकता है ठीक है ना तो यहां पर अगर आप ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो बेसिकली कह सकते हैं बेसिकली कह सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो यहां पर जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे वैल्यू आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी x की वैल्यू वैल्यू घट रही है x की वैल्यू टू डाली तो वन मिला फोर डाली तो टू मिला एट डाला तो थ्री मिला इसका मतलब है कि y की वैल्यू जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इस तरीके से कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा x की वैल्यू कम हो रही है लेकिन इस तरीके से देखिए x की वैल्यू यहां पर अगर आप पॉइंट देखोगे तो यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना तो एक अगर ग्रेटर देन वन है तो ग्राफ का जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और ए अगर आपका वन से कुछ आपका कम है मगर जीरो से तो बड़ा ही होगा तो आपको ग्राफ का वेरिएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला सो ये आपका सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये आपका फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यहां पर अगर आप पॉइंट देखोगे तो वन कॉमा जीरो देखने को मिलेगा और यहां पर भी पॉइंट अगर आप देखोगे तो वन कॉमा जीरो आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है भाई समझ आया कि नहीं आया जल्दी से मुझे बताइए और यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आपका बेस निगेटिव नहीं हो सकता आपका बेस जो है यहां पर वो निगेटिव नहीं हो सकता अगर बेस निगेटिव नहीं हो सकता तो ये वैल्यू भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती ये वैल्यू भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती ठीक है x की वैल्यू भी आपकी क्या है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इस वजह से आप देख सकते हो सिर्फ पॉजिटिव x पे ही आपका यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई 20 20 मिनट मिनट ज्यादा ज्यादा हो हो चुके हो चुके हैं हैं बट इट्स इट इज इट, ओके okay, कोई बात नहीं है मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है आंसर करिए भाई फटाफट एक लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको और समझाना है उसके बाद सारी चीजें आपकी हो जाएंगी एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सारे लोग लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन अभी मैं देख रही हूं आप लोगों का ठीक है हाँ चलो भाई चलो भाई ठीक है तो यहां पर वन नहीं हो सकता और जीरो से वन के बीच में निगेटिव नहीं हो सकता एक लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लो एर्थ है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और ये एक्स हो गया दिस इज नोन एज दी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है अब ये कौन सी बला आ गई इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है यहां पर इंटीजर शब्द से आप समझ सकते हो कि ये हमेशा क्या करेगा हमेशा होल वैल्यू देने वाला है ठीक है ना या तो वन देगा या तो टू देगा या तो माइनस वन देगा या तो माइनस टू देगा फ्रैक्शन नहीं हो सकता फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी तो आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करिए मैं आपको समझा देती हूं ये वाला ग्राफ ठीक है तो यहां पर x की वैल्यू वन हो सकती है x की वैल्यू टू हो सकती है x की वैल्यू थ्री हो सकती है x की वैल्यू फोर हो सकती है फाइव हो सकती है माइनस वन एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो माइनस टू पुट कर सकते हो माइनस थ्री पुट कर सकते हो ठीक है ना माइनस थ्री पुट कर सकते हो इसी तरीके से वाई की वैल्यू क्या हो सकती है वाई की वैल्यू आपकी वाई की वैल्यू आपकी यहां पर वन हो सकती है ठीक है ना फिर वाई की वैल्यू क्या हो सकती है टू हो सकती है वाई की वैल्यू टू हो सकती है फिर वाई की वैल्यू क्या हो सकती है थ्री हो सकती है इन सिमिलर मैनर वाई की वैल्यू माइनस वन हो सकती है वाई की वैल्यू माइनस टू हो सकती है एंड वाई की वैल्यू माइनस थ्री हो सकती है अभी समझो ध्यान से पूरा फोकस जो है वो डाल दो स्क्रीन के ऊपर पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ पर x जीरो है y जीरो है यहाँ पर x की वैल्यू वन है यहाँ पर x की वैल्यू टू है यहाँ पर थ्री है यहाँ पर फोर है आगे चलती चली जाएगी माइनस वन है माइनस टू है ये पॉइंट पर ये पॉइंट पर इस पॉइंट पर माइनस थ्री है y एक्सिस पर वैल्यूज प्लॉट करो ये क्या है वन है ये क्या है टू है यहां पर ये क्या है ये आपका माइनस वन है ये आपका क्या है माइनस टू है ये आपका क्या है माइनस थ्री है यहां पर क्या डालेंगे यहां पर इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देखने को मिल जाएगी ठीक है भाई हाँ कॉमन है ये सब्जेक्ट सारी ब्रांचेस फॉलो कर सकते हैं सबके लिए कॉमन है और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वो भी सारी ब्रांचेस के कवर होने वाले हैं ठीक है ठीके? अभी ध्यान से समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है ये उचक उचक के वर्क करता है लाइक जस्ट लाइक अगर आप इसको बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देगा तो अगर आपने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी तो ये जीरो पे जीरो से वन के बीच में पॉइंट नाइन है तो यहां पर ध्यान से देखिए अगर आप जीरो से वन के बीच तक जितनी भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा जीरो ही देता दे रहेगा और जैसे ही आप वन पुट करोगे जैसे ही आप यहां पर वन पुट करोगे जंप करेगा और आपको वाई की वैल्यू वन दे देगा समझ आया समझो फिर से एक्स की वैल्यू आपने जीरो पुट करी

1 1 1 कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा वन ही देता रहेगा और जैसे ही आप एग्जैक्टली टू पुट करोगे की जगह टू पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू आपको टू मिल जाएगी तो ये फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से जंप कर जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है जंपिंग बिहेवियर ठीक है भाई तो टू से थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे पुट करते रहो करते रहो आपको टू ही मिलता रहेगा बट जैसे ही थ्री पर जैसे ही आप की वैल्यू थ्री, तो थ्री हमारा होल नंबर है तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा वाई थ्री मिल जाएगा तो यहां से ग्राफ जंप कर जाएगा जस्ट लाइक दिस और फिर आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो से देखने को मिलने वाला है क्या ये समझ आया भाई ठीक है भाई ये चीज समझ आई फटाफट बता दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे तो क्वेश्चन भी आपको कैलकुलस में देखने को मिलेंगे अब यहां पर देखो भाई ये क्या है ये जीरो है अगर आप माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलता रहेगा जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस वन ठीक है zero, 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 minus one, minus one, minus one, ना अगर आप माइनस वन से जीरो के बीच में कुछ पुट करोगे तो यू विल गेट यू विल गेट हमेशा क्या मिलेगा माइनस वन और माइनस वन से माइनस टू से माइनस वन पुट करोगे तो माइनस टू पर तो आपको माइनस टू मिल जाएगा मगर इसके बाद माइनस टू से जैसे पॉइंट में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा खाली जैसे ही माइनस वन पुट करोगे तो जंप कर जाएगा माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यू भी माइनस वन देखने को मिल जाएगी फिर से समझिए माइनस टू जब आपने पुट करा तो माइनस टू मिला फिर माइनस टू से आप क्या कर रहे हो थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा का 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 सब मिलता जा रहा का 1 का 1 1 .2, का 1 .1, और जैसे ही -1 पुट करा तो होल नंबर हो गया और यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही तो माइनस से अगर आप पॉइंट थ्री पुट करोगे तो पॉइंट थ्री पर पॉइंट थ्री आप मिल जाएगा मगर जैसे ही आप का 2 का 2 का 2 6, 5, 4, 3, 2, का 2 तक आपको 3 मिलेगा। बट जैसे ही exactly आप आप करोगे, तो ये ये देख सकते हो, ये जंप करके कर कहाँ पहुंच गया यहां पर पहुंच गया क्या ये सब सम, समझ आया कि नहीं आया भाई लास्ट डाउट खत्म फिनिश खलास ठीक है सब खत्म हो गया अब मुझे बता दो भाई कोई हो कहीं पर तो मैं डिस्कस कर लूंगी कोई कन्फ्यूजन हो तो कहीं पर डिस्कस कर लेते हैं फिनिश टाटा बाय बाय हो गया भाई पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने इस फंक्शन में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई इस फंक्शन में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई बोर हो गए क्या भाई क्लियर है मैम हाँ मॉड एक्स का ग्राफ एक्स का ग्राफ मैंने डिस्कस नहीं करा क्योंकि कैलकुलस में ऑलरेडी डिस्कस होगा ठीक है ना बट अगर आपने टोक दिया है तो फिर लेते जाओ भाई मोड एक्स का भी तो ये हो जाएगा एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू दी मॉड एक्स ठीक है ना एफ ओ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है ठीक है ना तो यहां पर ध्यान से समझिए किसी भी चीज में आप मोड कब लगाते हो जैसे कि माइनस वन पर अगर मैं मोड लगा दूं तो मोड एक ऐसा चोर है जो माइनस को खा जाता है ठीक है है इज अ स्टीलर ये हमेशा क्या करता अगर आपके पास कोई भी निगेटिव वैल्यू है आप मॉड लगा दो ठीक है तो मॉड क्या करेगा पूरा माइनस खा के आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर देगा इन अ सिमिलर मैनर कि अगर आप फंक्शन में जीरो पुट करोगे तो जीरो मिलेगा ठीक है ना देखो जैसे कि अगर आप इसे देखोगे और मॉड नहीं होता तो ये y इज इक्वल टू दी एक्स का फंक्शन था ये y इज इक्वल टू फंक्शन था यानी स्ट्रेट लाइन होगा समझने की कोशिश करना अगर मैं मॉड भूल जाऊं ठीक है फिर से समझो इसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं मैंने लिखा है y इज इक्वल टू दी एक्स तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू द एक्स पर मुझे पता है कि यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मैम देखने को मिलने वाला है ठीक है ना स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरीके से वैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई बुरी है कोई बात नहीं जो भी बनी है काम चला लो ठीक है तो ये क्या है ये y एक्स ग्राफ है x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है बट अगर आप यहां पर जैसे ही मोड लगा दोगे तो x की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव भी डाली तो क्या होगा मोड नेगेटिव खा जाएगा मोड नेगेटिव क्या करेगा खा जाएगा मगर स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर खत्म नहीं होगा क्योंकि y is equal to the x है इसका मतलब है कि यहां पर यहां पर जब आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y plus 1 मिलेगा x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y plus 2 मिलेगा तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा ये ग्राफ आपका क्या होगा इधर चला जाएगा सो ये वाला जो पोर्शन है ठीक है भाई ये वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हटेगा भाई ये किसी तरीके से कुछ और ही हट जाएगा भाई रुक जाओ नहीं भाई सब नहीं करना है ठीक है वेट कर लो भाई जाएगा भाई इससे कुछ और ही चला गया ये तो नहीं गया ठीक है चलो इसको छोड़ दो ठीक है इसको छोड़ दो समझ तो आई गया है कि कैसे करना है कि अगर y इज इक्वल टू दोड x है तो आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो इस तरीके से आपका v बनने वाला है। इधर से भी पॉजिटिव और x की निगेटिव वैल्यू भी डालोगे स्टिल आपको पॉजिटिव मिलेगा स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर खत्म नहीं होगा तो v बन जाएगा ठीक है ठीक है बन वी बन जाएगा ठीक है सारा समाधान है मॉड के पास ठीक है तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम लोगों ने सीखे हैं आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फंक्शन सेट फंक्शन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ठीक है ना फिर उसके बाद इंटरवल डिस्कस करा सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बेटर तरीके से डिस्कस करा कुछ भी याद नहीं करा सबको समझा और ड्रॉ करा होप आशा है मेरी होप है कि आप लोग भी इसके बाद याद नहीं करोगे दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप लोगों के लिए ये जरूर सीख लेना ये जरूर सीख लेना इसके बाद कोई दिक्कत होती है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम ठीक है सो ये आ गई थैंक यू स्लाइड और आपका सेशन हो चुका है कंप्लीट नेक्स्ट क्लास कब है मैम कल है भाई कल है ठीक है ना कल आपका स्टार्ट होगा लीनियर एल्जरा एल्जरा को शुरू करेंगे और स्टार्टिंग होगी डिटर्मिनेंट और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे वो कल ही आपको पता चलेगा ठीक है गुड नाइट सोने का टाइम हो गया क्या भाई एक्सलेंट लेक्चर थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू वेरी मच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होप्स आपको अब याद ना करना पड़े मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कुछ भी याद नहीं करना है सब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग तो कोशिश यही रहेगी कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिल सके अंडरस्टैंडिंग मिल सके बड़ा सा थैंक यू मेरी तरफ से आपके लाइव सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरा सेशन देखते देखते ठीक है भाई वीडियो को लाइक करें बिल्कुल भी मत जाना यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट भाई हार्डवर्क तो होता ही है जब आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और यहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आप यूज नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो लामिया टेन फ्रेंड भी यूज नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट कॉम्बेट्स हो गए फ्री लाइव क्लासेस हो गई उससे भी आप लामिया टेन से अनलॉक करोगे तो भी आप डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करने वाले हो ठीक है ओके ओके 12 में कोई बात नहीं है मैंने पढ़ा दिया सब जो आप पूरे साल में पढ़ते हो तो निकलवा लो ठीक है और उल्टा लिख गया है उसको सीधा कर लेना जो भी आप प्रिंट आउट निकलवाओगे उसी में ही करेक्शन कर लेना मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्हाइट शीट की आपको पीडीएफ दू क्योंकि वाइट शीट की पीडीएफ होगी तो प्रिंट आउट में आसानी होगी आप उसी को स्टेपल कर सकते हो या फाइल में लगा के पूरे अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं तो जो मैं लिख रही हूं एज इट इज नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूं ताकि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो ठीक है ना सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जितनी भी पीडीएफ होंगी मैथ लेक्चर वन अभी पीडीएफ आएगी मैथ लेक्चर टू के नाम से देन मैथ लेक्चर थ्री आपको अंतिम बैच में भी मिल जाएगी आपको लेट्स क्रैक गेट प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी आपको लामिया नसीम अकेडमी पर भी मिल जाएगी ठीक है तो आपको हर जगह जितने भी टेलीग्राम वाले प्लेटफॉर्म है सब जगह आपको पीडीएफ अपलोडेड देखने को मिलेगी लेट देखते हो तो फाइल सेक्शन में जाके सर्च कर लेना मैथ लेक्चर लेक्चर मैथ आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे ठीक है भाई चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सेशन गुड नाइट टेक केयर और भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से लाइक लाइफ में आगे बढ़िए एंड वन डे डेफिनेटली यू विल गेट दिस सक्सेस थैंक